राम दूत तुलत बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगे, कुमति निवार सुमति के संगे। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसर। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूझ जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन से तामन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शिउर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुम्हारो जस गावै, हस कै श्रीपति कंठ लगावै। संकादिक ब्रह्मादि मुनि सा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कुविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम हरु मंत्र विभीषण मानो, लंकेश्वर भय सब जग जानो। जुग सहस्त्र जो जन पर भानो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल्दी लांघि गए अचिरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपने तेज संहारो आप, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिसाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम बचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावै। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै।
अंतकाल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंधी महा सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मडेरा। जय सिया राम, 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 जय सिया। आज के इस कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम 3-4 मिनट लेट होना हमारी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि हनुमान चालीसा चल रही थी और उसको रोकना बीच में उचित नहीं था। इसलिए हनुमान चालीसा खत्म होने के बाद ही कार्यक्रम की शुरुआत का आगाज किया गया। मैं पंडित प्रेमेंद्र जी से अनुरोध करूंगा, तो सबके प्रिय हैं, हमारे तो खास तौर से बहुत प्रिय हैं, कि आज इस कार्यक्रम की शुरुआत मंत्रोच्चार के साथ करें, ताकि सबके साथ वही ऊर्जा बनी रहे जो कल भी थी। पंडित प्रवीण जी, जय गणपति की। जय गणपति की। पंडित जी, गजाननम भूत गणादिसेवितम कपेथ जम्बूफलचारु भक्षणम्। उमा सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि यह हमारा 17 नक्षत्रों पर आधारित है, तो आज हम 9 नक्षत्रों के मंत्र का वाचन करेंगे। ठीक है, प्रवीण जी, प्रवीण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क में थोड़ा सा डाउन हुआ है सर, मुझे लगता है ये आपकी टिक टिक आई उसके बाद दोबारा जो दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है। नमस्कार सर। नमस्कार। जब तक पंडित प्रवीण जी आ रहे हैं, तब तक मैं राम सर आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और रमेश चिंतक साहब ने जैसे कल लोगों को आश्वासन दिलाया था कि वो जरूर आएंगे, आज उपलब्ध है, उनको मेरा प्रणाम। और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री अंजनेलू जी भी आज उपलब्ध हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है कार्यक्रम में। लगता है अभी समय उचित नहीं आया था, इसलिए पंडित प्रवीण जी का नेटवर्क डाउन हुआ है, ताकि बाकी लोग ज्वाइन कर लें। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, कल भी मैं बराबर रिक्वेस्ट कर रहा था कि कृपया अपना नाम जरूर लिख दीजिए,
किसी का नंबर लिखा हुआ आ रहा है, किसी का रेडमी फोन, आईपैड, आईफोन, तो पक्का ये होगा कि आप लोग नहीं चाहेंगे कि आपको रेडमी फोन से बुलाया जाए या आईफोन से बुलाया जाए। तो आप सबसे अनुरोध है कि जिन्होंने नाम नहीं डाला है वो कृपया अपना नाम जरूर डाल दें वहाँ पर, और अगर आपने अगले 10 मिनट के अंदर नाम ही डाला तो दंडाधिकारी होने के नाते, आज सूर्य का दिन भी है तो थोड़ा सा न्यायप्रिय होना चाहिए, मैं उन लोगों को मीटिंग हॉल से बाहर कर दूंगा। वो नाम अगर लेके आएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अनजान व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ रहा हम किससे बात कर रहे हैं। जी बिगड़े साहब, पंडित जी जी, वहाँ पर नेटवर्क की काफी प्रॉब्लम है, लाइट चली जा रही है और कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि वो टेलीपैथिकली मंत्र उच्चारण कर रहे हैं वहां पर, और कर दिया है तो अपने शुरू कर सकते हैं टाइम पर बात करने के लिए। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, और जिन्होंने नाम नहीं डाले प्लीज उनसे अनुरोध है कि अपना नाम डाल दें, ताकि हम लोगों को खासों से मुझे मजबूर ना करें उनको मीटिंग हॉल से बाहर ले जाने के लिए। बिना नाम के लोगों का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वहां काम करने में। वहां पर आज की इस श्रृंखला में हमारे पास चार वक्तव्य हैं। चार वक्ता, पहले श्रीमती अनिता नारायण जी, उससे सुनील शर्मा जी, तीसरे चंद्रशेखर शर्मा जी नागपुर से हैं, और चौथे विश्वनाथ होला जी। जैसे जैसे ये वक्ताओं को मैं आमंत्रित करूंगा आपको परिचय देता जाऊंगा। सबसे पहले प्रथम वक्ता हमारी श्रीमती अनिता नारायण जी हैं। आप में से कुछ लोग परिचित होंगे, कुछ लोग नहीं भी परिचित होंगे उनसे। श्रीमती अनिता नारायण जी ने ज्योतिष का अध्ययन एक लीगेसी के रूप में लिया है। इनके पिताजी श्री नारायण बिहार में आईकास के स्तंभ थे, और वो उन सदस्यों में से थे जिन्होंने आईकास की स्थापना की थी शुरुआत में। एक सम्माननीय नाम था उनका। अनिता नारायण जी का ये सौभाग्य रहा है कि उन्होंने अपने पिताजी के माध्यम से बहुत कुछ ज्योतिष में सीखा है, और उनकी बताई हुई विधाओं को वो आज अपने मुखारविंद से आप तक पहुंचाएंगे। वहां पर ऐसे जिज्ञासु और ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों को सुनना हमेशा अच्छा रहता है। अनिता जी को अभी इसी वर्ष आईकास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सम्मानित किया गया। इस समय अनिता जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। अनिता जी से अनुरोध होगा कि आज फोरम आपके पास है, हमने 40 मिनट का समय नियत किया है आपके लिए, और बाकी हरी इच्छा जितना आप समय लेना चाहेंगे। तो मैंने इस श्रृंखला में कोशिश की है कि मैं वक्ताओं को बीच में नहीं रोकूंगा, ताकि बाद में बड़ी शिकायतें मिलती हैं कि अच्छा बोल रहा है और आपने रोक दिया बीच में वहां पर। तो मैं अपने आप ही वक्ता अगर रोक लेता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं रोकूंगा वहां पर। समय सबके पास है, जब तक सुनना चाहेंगे तब तक आप सुनाना चाहेंगे। अनिता जी आपका स्वागत है, और आप नमस्कार। धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है, और प्रदीप चतुर्वेदी का विशेष धन्यवाद कि बार बार उन्होंने रिमाइंडर भी दिया कि मुझे बोलना है। इनफैक्ट थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था अभी मेरा, बिकॉज मेरी डॉटर का मैरिज है। तो मैं नक्षत्र के बारे में, जहां तक नक्षत्र का सवाल है, इतना बृहद यह सब्जेक्ट है नक्षत्र, इस पर मुझे बोला गया कि मुझे नक्षत्र अंक पल पर कुछ बोलना है। वास्तव में नक्षत्रों पर अधिक आधारित भविष्यवाणी तो वैदिक काल से आरंभ हो गई थी, इसलिए इसे पहले वेदांत ज्योतिष भी कहा गया है, वेदों में इसका वर्णन है, और भारतीय ज्योतिष में राशियों से भी ऊपर नक्षत्रों का विशेष महत्व है। नक्षत्रों के ऊपर कई भविष्यवाणियां की गई हैं जो सटीक होती है। बाद में चलकर कृष्णमूर्ति पद्धति में नक्षत्रों पर बहुत ज्यादा ही ध्यान दिया गया है। हम सब लोग अभी आईकास में वी आर डूइंग इस पर रिसर्च, नक्षत्रों के ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं। नक्षत्र के आधार पर लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवरीथिंग देखा जाता है। नक्षत्र का उत्पत्ति संस्कृत के शब्द से हुआ है, जिसमें नक्षत्र एक परिभाषा ये है कि नक्षत्र मतलब जो न चलता हो, जिसका जो चलायमान नहीं है।
ग्रहों और तारों मतलब ग्रहों और नक्षत्रों में भेद यही है कि ग्रह चलते हैं, चलायमान है, लेकिन नक्षत्र चलते नहीं है। उनमें से ही नक्षत्र में ही एक सूर्य को भी जो सौरमंडल का मुख्य है उसे भी हमें तारा और नक्षत्र के रूप में जानते हैं। तो नक्षत्र इतना अधिक महत्वपूर्ण है भारतीय ज्योतिष में, व्यक्ति के जन्म पर व्यक्ति का जन्म नक्षत्र डिसाइड किया जाता है। चंद्रमा जिस राशि में रहती है उस राशि का नक्षत्र को व्यक्ति का नक्षत्र माना जाता है। जहां तक नक्षत्र अंग फल का सवाल है, कालपुरुष की कुंडली में जैसे सभी भाव राशि ग्रह आदि को स्थापित किया गया है, वैसे ही नक्षत्रों को भी स्थापित किया गया है। तो वैसे गन्ना के रूप में अश्विनी नक्षत्र से गन्ना आरंभ होती है, पर जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि कृतिका के का स्वामी सूर्य है, तो पहला नक्षत्र गन्ना हम सूर्य से कृतिका से ही आरंभ होता है। और सूर्य जो है हमारे कृतिका जो नक्षत्र है वो सूर्य का नक्षत्र है और उसका प्रभाव हमारे सिर पर होता है। तो अगर कृतिका नक्षत्र किसी भी जन्म कुंडली में कृतिका नक्षत्र पाप प्रभाव में है, पाप ग्रह कृतिका नक्षत्र में है, या जातक का जन्म नक्षत्र कृतिका है और वो पाप ग्रसित है, तो ऐसे ऐसे ये में सिर पर सिर से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। तो उसी प्रकार अन्य नक्षत्रों को भी दिया गया, जैसे नंबर हम सभी नक्षत्रों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना चाहेंगे। रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है, इसका प्रभाव माथा यानी कि ललाट के ऊपर दिया गया है। तो अगर रोहिणी नक्षत्र पीड़ित होता है तो हमारे माथे से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है, ललाट से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, इसका प्रभाव हमारे भावों पर दिया गया, आईब्रोज पर दिए गए, तो उससे मृगशिरा अगर पापग्रसित होंगे तो मृगशिरा नक्षत्र पापग्रसित होने पर हमारे भावों पर एडवर्स इफेक्ट आता है, उससे संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। पुनर्वसु बृहस्पति का नक्षत्र है, इसका प्रभाव सीधा हमारे नाक पर होता है। कुछ नक्षत्र शनि का नक्षत्र माना गया है, इसका प्रभाव हमारे चेहरे पर है। अश्लेषा बुध का नक्षत्र है, इसका प्रभाव हमारे कान पर पड़ता है। मघा केतु का नक्षत्र है और इसका प्रभाव हमारे ऊंट और ठुड्डी पर पड़ता है। उत्तराफागिनी फिर सूर्य का नक्षत्र हो गया, जो जिसका प्रभाव हमारे बाएं हाथ पे पड़ता है। हस्ता चंद्रमा का नक्षत्र है, जिसका प्रभाव हमारे हाथों की अंगुलियों पे पड़ेगा। और चित्रा मंगल का नक्षत्र है, जिसका प्रभाव गर्दन या कंधे के गले पर पड़ता है, गले के ऊपर, गर्दन नेक के ऊपर पड़ता है। और हस्ता के बाद हो गया चित्रा। स्वाति नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र है, उसका सीधा संबंध हमारे फेफड़ों पर है। तो स्वाति नक्षत्र अगर पीड़ित होता है तो फेफड़ों से संबंधित हमारी समस्या उत्पन्न होती है, खास करके अभी कोरोना के समय में मैक्सिमम फेफड़ों से संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही है। अब इसको हम कालपुरुष अंग पर तो देखेंगे, हम इसे गोचर पर भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि फेफड़े से संबंधित नक्षत्र है ये स्वाति। तो स्वाति से संबंधित हमारे स्वाति नक्षत्र से संबंधित क्या समस्या उत्पन्न हुई, जो ये कोरोना में फेफड़े के ऊपर हमारा ये इन्फेक्शन और फेफड़े से संबंधित हमारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी। इनफैक्ट नक्षत्र अंग फल इज द सब्जेक्ट ऑफ ऑल रिसर्च एंड यहाँ पे बहुत विद्वान हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, सब इस पर रिसर्च करें और इस पर जो भी शास्त्रों में कहा गया है उसको आगे लेकर आए, वो ज्यादा अच्छा है। स्वाति के बाद विशाखा नक्षत्र है, जो बृहस्पति का नक्षत्र है, वो हमारे वक्ष स्थल पर पड़ता है इसका असर। यानी कि विशाखा नक्षत्र पीड़ित होगा या विशाखा नक्षत्र संबंधित आपका जन्म नक्षत्र होगा और उसमें कुछ समस्या उत्पन्न होगी तो आपका वक्ष स्थल प्रभावित होगा। अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और इसका प्रभाव हमारे उदर पर पड़ता है। ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है, इसका प्रभाव हमारे वक्ष के नीचे का दाएं हिस्से पर होता है। मूला केतु का नक्षत्र है, इसका प्रभाव वक्ष के नीचे के बाएं भाग पर होता है, मतलब ज्येष्ठा वक्ष के नीचे के दाएं और मूला वक्ष के नीचे के बाएं भाग पर उसका इफेक्ट आता है। तो इसके बाद आ गया पूर्वा साढ़ा, जो शुक्र का नक्षत्र है, इसका प्रभाव हमारे पीठ में कहा जाता है कि पृष्ठ भाग पर पड़ता है, पीछे के हिस्से पर पड़ता है। उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र है, जो हमारे लोअर बैक कमर को प्रभावित करता है।
कमर का पेन या जो भी होता है वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र अगर पापग्रह से युक्त हुआ या पापग्रह से प्रभावित हुआ तो उस वैसे केस में लोअर बैक का पेन वगैरह लॉम्बिगो पेन सब जो होता है वो सब आजकल जो सबसे अधिक विशेषकर स्त्रियों में काफी ज्यादा कमर का पेन और आजकल बैठकर काम करने का जमाना है तो ये इस पर थोड़ा सा गौर कर पाना होगा। हाँ, अब उत्तराषाढ़ नक्षत्र के बीच में एक अभिजीत नक्षत्र भी आता है तो हालांकि इसको इस लिस्ट से निकाल दिया गया है लेकिन अभी वर्तमान ज्योतिष शास्त्री इसको नहीं लेते हैं बट फिर भी पुरातन ज्योतिष में वैदिक ज्योतिष में अभिजीत मुहूर्त पर को भी नक्षत्र अंक फल में शामिल किया गया है। इसमें बताया गया है कि मस्तिष्क ब्रेन पर अभिजीत नक्षत्र का इफेक्ट आता है। फिर श्रवणा चंद्रमा का नक्षत्र इसका हमारे गुप्तांगों पर आता है। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र इसका प्रभाव हमारे गुदा पर आता है। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र और इसका प्रभाव हमारे गुदा पर। फिर सत्वीसा आ गया राहु का नक्षत्र वो हमारे जांग ताई जांग राइट थाइस पर आता है। पूर्वाभाद्र गुरु का नक्षत्र इसका प्रभाव हमारे बाएं जांग पर आता है। उत्तराभाद्र पर शनि का नक्षत्र इसका प्रभाव पिंडली के अगले हिस्से पर आता है। रेवती बुध का नक्षत्र इसका प्रभाव एड़ी या घुटनों पर बताया गया है। रेवती नक्षत्र में घुटना प्रभावित होता है। अब इसके बाद फिर रेवती खत्म होने के बाद साइकिल में फिर हम ऊपर चले जाते हैं। अश्विनी नक्षत्र आता है हमारे पैरों के ऊपरी भाग। इसका अधिपति केतु है अश्विनी नक्षत्र का और इसका प्रभाव हमारे पैरों के ऊपरी भाग यानी कि तलवों के ऊपर तलवा है उसके ऊपर के हिस्से पर आता है। इसके बाद नेक्स्ट है भरणी नक्षत्र। तो भरणी नक्षत्र शुक्र द्वारा अधिपति है। इसका प्रभाव तलवों के नीचे लोअर तलवा पर आता है। तो अब ये सारे जो काल पुरुष कुंडली में शरीर के अंग पर हमारे 28 नक्षत्रों का प्रभाव है। 27 के अलावा अभिजीत मुहूर्त का भी इफेक्ट डाला गया है। ये जितने भी नक्षत्र हैं शरीर के वो निश्चित विशेष जो अंग हैं उस पर ही प्रभाव डालेंगे। इन नक्षत्रों पर बैठे जो ग्रह बैठे हैं और जिन नक्षत्रों में जिन भावों का प्रतिनिधित्व करते हैं उसके अनुसार भी फल मिलना संभव है। अर्थात कि अगर कोई नक्षत्र किसी नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है और वो ग्रह सपोज मैम आप म्यूट हो गई हैं में बैठा है तो एक्सेसिव हमारे एडवर्सिटी में आ जाएगा क्योंकि भाव भी प्रभावित हो गया नक्षत्र भी प्रभावित हो गया और उसमें तो इस तरह से हम और उसको डिटेलिंग करके देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह उस नक्षत्र में जो नक्षत्र मान लीजिए शुक्र चला जाता है जैसे आप देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गुप्तांग और उसमें शुक्र ही एफ्लिक्ट हो गया शुक्र ही चला गया है शुक्र आपका ग्रह है जो उस नक्षत्र में चला गया हो और पाप ग्रह से संबंध स्थापित कर लिया है तो ऐसे केस में और एक्यूट हो जाता है। तो वैसे नक्षत्र के हमारे पूरे काल पुरुष के पूरी कुंडली पर इसका इफेक्ट बहुत ही अधिक होता है। जैसे मान लीजिए कि मैक्सिमम प्लैनेट मान लीजिए आपके आर्द्र नक्षत्र में बैठे हैं मैक्सिमम प्लैनेट तो यू विल फाइंड आउट कि आर्द्र नक्षत्र हमारे नेत्र को देखता है तो नेत्र संबंधित विकार को उत्पन्न करेगा। तो इस तरह से भी देखते उसी तरह से बोलते हैं कि अगर मेरा जन्म नक्षत्र कोई है स्पेसिफिक तो हमारे बॉडी के हमारा जो जन्म नक्षत्र है उसके अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी के उस बॉडी ऑर्गन को पार्ट को अधिक प्रभावित करता है क्योंकि जन्म नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। जन्म नक्षत्र से संबंधित हम अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख सकते हैं और जन्म नक्षत्र के आधार पर हम अपने शरीर के किस अंग में को ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं या नक्षत्र अन्य नक्षत्रों का संबंध उस जन्म नक्षत्र से क्या हो रहा है इन सभी बातों पर पड़ता है। ये ऐसा है कि नक्षत्र अंग फल तो ये तो अंगों के बारे में विश्लेषण हुआ। नक्षत्र अंग फल का एक और हिस्सा है गोचर। हम लोग गोचर में सभी लोग जानते हैं कि
गोचर में शनि और गुरु या फिर एनी मैलेफिक प्लैनेट का किन किन नक्षत्रों से गोचर होता है अकॉर्डिंगली हमारे नक्षत्र शरीर के किस अंग पर नक्षत्र अंग पर जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली शुभ अशुभ धन हानि मृत्यु वगैरह वगैरह डिसाइड होता है. तो नक्षत्र अंग फल का एक एरिया वो भी है. वन एरिया इज नैटल हॉरोस्कोपी जो जातक के जन्म कुंडली पर देखा जाता है. दूसरा एरिया है गोचर. गोचर में भी नक्षत्र अंग फल को विश्लेषण किया गया है उस पे भी. मैं अभी बहुत ज्यादा समय लेना नहीं चाहिए बल्कि मैंने प्रदीप जी से बोला था कि मैं तो 10-15 मिनट ही बोलकर ज्यादा भी मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया है और ज्यादा मैं बहुत ज्ञानी लोग बैठे उन लोग को समय देना चाहती हूँ. मैं भी बहुत ज्यादा भी समय नहीं लेना चाहती हूँ. तो बस इतना ही कहकर मैं आप लोगों से विदा चाहूंगी कि नक्षत्रों पर विशेष ध्यान दें. अभी आज जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं वो ज्यादातर भाव ग्रह काल पुरुष संघ आदि पर विचार करते हैं लेकिन हमारे ग्रह हमारे भावाधिपति किस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के स्वामी कौन है इनका प्रभाव हमारे जन्म कुंडली पर बहुत ही अधिक पड़ता है. और ये एक रिसर्च का सब्जेक्ट है. अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी सभी लोग विद्वान या सारे बैठे जो कि नक्षत्रों पर कल से चल रहा है काफी इस पर विचार विमर्श. बहुत अच्छा लगा सब लोग को सुन करके. और मैं चाहूंगी कि बाकी सब लोग बोले और बताए अपने नक्षत्रों के बारे में अपना अपने अपने मतों को दे. मैं सुनना चाहूंगी. इस पर ही मैं विदा चाहती हूँ. पटेल जी नमस्कार. नमस्कार नेता जी. सुनील शर्मा जी आपकी बैटिंग जल्दी आ गई है. आपको उम्मीद नहीं होगी इतनी जल्दी बैटिंग आएगी आपको. पनीता जी आपको फिर से दोबारा जब आप चूंकि मैं समझ सकता हूँ कि आपकी स्थिति मानसिक रूप से कहीं और लगी हुई है तो जब आपको उसकी एक ही वो मिल सकता है आज के कि आप मिठाई खिला दीजिएगा हम लोगों को. 10 जुलाई के बाद मैं अच्छी तरह से जुड़ूंगी. फिर कभी मौका दीजिएगा तो मैं आकर मैं जुड़ूंगी आपको. चिंतक साहब भी मुस्कुरा रहे हैं. यूपी और बिहार में एक ही चीज फेमस है कि शादी में आप कह रहे हैं ना लड्डू जरूर भिजवा साधु के. हम लोग शादी के लड्डू बड़े फेमस है खाने के लिए. वो हम लोग खा लेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे उसके बाद. सर ठीक है ना. ब्राह्मण मिठाई के अलावा रह नहीं सकता वहां पे. ठीक है. थैंक यू अनिता जी. थैंक यू सुनील जी. सुनील शर्मा जी हमारे ईस्ट दिल्ली चैप्टर के चेयरमैन हैं और उनसे खास लगाव एक कारण और भी है मेरा कि मैं उसी चैप्टर से मैंने भी अपना ज्योतिष का अध्ययन किया है. तो एक अल्मा मैटर पुरातन छात्र का संबंध भी है उनके साथ हमारा जुड़ा हुआ है. ये कहीं ना कहीं अटैचमेंट फीलिंग हमेशा बनी रहती है ईस्ट दिल्ली के साथ. सुनील शर्मा जी ने पिछली बार भी वक्तव्य दिया था और काफी लोगों ने उनकी सराहना भी की थी और सुनना चाहा था. मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आपका समय है आज आपके पास. आप अपना समय और अनिता जी का समय मिला के जितना आप चाहें. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं आज इस श्रृंखला में किसी श्रोता को आके ये नहीं बोलूंगा कि समय समाप्त हो गया. ये मैंने प्रण लिया हुआ है और ये श्रोता कपूर साहब और केदार साहब का आदेश था. कपूर साहब कभी भी किसी रोकते नहीं थे वहां बोलने के लिए उत्साहित करते थे. इन शब्दों के साथ आपका स्वागत है सुनील जी और आप अपने वक्तव्य शुरू करें. धन्यवाद प्रदीप जी. आज इस पैटर्न मेमोरियल लेक्चर सीरीज में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस प्रकार से सब चैप्टर्स का फैकल्टी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन है और जिस प्रकार से हमारे गुरु जी के जो हमारे से इच्छाएं थी अपेक्षाएं थी उसके पद चिन्हों पर चलते हुए सभी स्टूडेंट और फैकल्टी इसमें बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं. मुझे जो टॉपिक दिया गया था वीनस के जो तीन नक्षत्र हैं भरणी पूर्वा फाग्नि और पूर्वाषाढ़ा तो उसी के ऊपर माय स्क्रीन इज विजिबल. जी सर. जी सुनील जी. शुक्र ग्रह के नक्षत्रों के ऊपर मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कि इस पे आपने बोलना. हालांकि मेरा इसमें कोई पहले से मैंने कुछ नक्षत्रों पे तैयार नहीं किया हुआ था. बट स्टिल आई हैव ट्राइड लिटिल बिट
आई होप आप सबको थोड़ा उसका पसंद आएगा। शुक्र ग्रह को एक यूथ से, नवयौवन से या बसंत ऋतु से जोड़ा जाता है जिसमें उमंगे होती है। तो उसके जो तीनों नक्षत्र हैं, तीनों नक्षत्र भरणी, पूरा फागुनी और पूरा शाड़ा अग्नि तत्व राशियों में पड़ते हैं। मेष में भरणी, पूर्व फागुनी सिंह राशि में और धनु राशि में पूरा शाड़ा। और क्योंकि अग्नि तत्व होने की वजह से इसका अग्नि राशि में होने की वजह से इसका जो सातवां नवांश शुक्र के नक्षत्रों में ही पड़ता है जो कि पुष्कर नवांश है। तो 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक शुक्र ग्रह का नक्षत्र अग्नि तत्व राशियों में रहता है और इसमें 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट ये पुष्कर नवांश है। और अगर हम पुष्कर भाग देखते हैं तो 21 डिग्री जो है पुष्कर भाग आ जाता है। तो इसमें पुष्कर नवांश और पुष्कर भाग में थोड़ी ब्लेसिंग्स रहती है। वैदिक साहित्य में यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे सिद्धांत को पंचभूत से जोड़ते हुए हम कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है, वही हम पिंडों में है। और इसको पंचांग के रूप में प्रदर्शित किया गया है, पंच अंग जो माने गए हैं जिसको हम पंचांग में पढ़ते भी हैं। पंच महाभूत हैं हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। साथ ही जो पंचांग के जो पांच अंग है, करण, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, जब हम ब्रह्मांड रूपी शिवलिंग की पूजा करते हैं तो नम है शिवाय जो बोला जाता है। तो ना से पृथ्वी करण को डिनोट करता है, माँ से जल तिथि को डिनोट करता है, शी से अग्नि वार को डिनोट करता है, वा से वायु नक्षत्र को डिनोट करता है और य से आकाश योग को डिनोट करता है। तो पंचांग हमारे पंच महाभूत से ही कनेक्टेड हैं और हमारे ब्रह्मांड को ही प्रदर्शित करते हैं। जब कोई मंत्र हम नमः शिवाय बोलते हैं तो इन्हें वे हम ब्रह्मांड की पूजा करते हैं। नक्षत्र इसमें वायु तत्व को दर्शाता है। अब नक्षत्र की उत्पत्ति, जैसे कि अभी अनीता जी ने बताया कि जो छत नहीं है वह नक्षत्र है। तो जो फिक्स रहता है आकाश में, चलायमान ये नहीं होते हैं, जो नक्षत्र अपनी जगह फिक्स है, जो कभी नष्ट नहीं होते वह नक्षत्र है। ना से पृथ्वी और ठोस तत्व लिया जाता है, क्षत्र से क्षेत्र है। इसका दूसरी विवेचना जब हम करते हैं तो नक्षत्र से आकाश हो जाता है, क्षत्र से क्षेत्र हो जाता है। तो आकाश के जो अलग अलग क्षेत्र हैं जो नक्षत्रों से आइडेंटिफाई हम करते हैं, सिमिलरली नक्ष से नक्शा भी होता है और तारा जो तारा है, जो नक्षत्रों के तारे हैं, तो आकाश के जो सितारे हैं उनसे जो नक्शा आकाश में दिखाई पड़ता है वो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं सारे। तो इसी को हम नक्षत्र की अलग अलग परिभाषाएं हमारे अलग अलग शास्त्रों में देखने को मिलती है। अलग अलग शास्त्रकारों ने अलग अलग भाष्य इसका किया है। तो नक्षत्र जो क्षत नहीं है वह नक्षत्र जो फिक्स है अपनी जगह पर, पृथ्वी घूमती है तो वो घूमते हुए नजर आते हैं परंतु वो अपनी जगह फिक्स है। आप सभी प्लैनेट उसमें संचार करते हैं बारी बारी। नक्षत्रों के जो नाम है वो पृथ्वी से जैसे वो दिखाई देते हैं उसी का पृथ्वी मानकर उसके नाम अधिकतर रखे गए हैं। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम चंद्रमा को मानते हैं, चंद्र नक्षत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है क्योंकि चंद्रमा हमारे ऊपर 70% के करीब इफेक्ट सबसे ज्यादा चंद्रमा का होता है, 28% के करीब सन का माना जाता है और बाकी 2% में दूसरे प्लैनेट्स का हमारे ऊपर इफेक्ट होता है। तो चंद्र नक्षत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमारे बच्चों के नामकरण में चंद्र नक्षत्र का नाम सारा लिया गया। पराशर जी ने दशाएं अधिकतर चंद्र नक्षत्र पर आधारित बोली गई है। तो चंद्र नक्षत्र जो है वो जातक की मानसिक स्तर की भावनाएं, इमोशनल जितनी भी है, उसकी नेचर, उसकी पर्सनैलिटी, उसके स्वभाव वगैरह को दर्शाता है। उसके अलावा जो सूर्य जिस नक्षत्र में है तो उससे व्यक्ति की आध्यात्मिक लेवल आध्यात्मिक स्तर का पता चलता है, उसके करेक्टर का पता चलता है। लग्न नक्षत्र जो है वो उसकी आउटर पर्सनैलिटी बाहरी व्यक्तित्व को दर्शाता है, उसके हेल्थ को दर्शाता है साथ में। तो हमें सबसे ज्यादा ये तीन है, वैसे तो कुंडली के सभी ग्रह किस किस नक्षत्र में, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट क्योंकि जब हम ग्रहों नक्षत्रों की स्टडी करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि कौन सा प्लैनेट राजसिक है, कौन सा तामसिक है, कौन सा सात्विक है। तो सात्विक प्लैनेट सात्विक नक्षत्रों में ही अच्छा फल देते हैं, तामसिक प्लैनेट तामसिक ग्रहों के नक्षत्रों में ही अच्छा फल देते हैं और राजसिक प्लैनेट राजसिक ग्रहों के नक्षत्रों में ही अच्छा फल देते हैं। बाकी सात्विक राजसिक में और राजसिक तामसिक नक्षत्रों में मिक्स रिजल्ट देते हैं, परंतु सात्विक नक्षत्र सात्विक प्लैनेट अगर या तामसिक प्लैनेट
सात्विक प्लैनेट या राजसिक प्लैनेट तामसिक नक्षत्र में चले जाए, तामसिक ग्रहों के, या चले जाए या तामसिक प्लैनेट राजसिक प्लैनेट के नक्षत्रों में चले जाए तो उनके बड़े खराब रिजल्ट बैड रिजल्ट मिलते हैं, तो उसको भी एक स्टडी करने का तरीका है। अभी कल ब्रिगेडियर शर्मा जी ने भी नक्षत्रों को देखने के अलग अलग तरीके बताए, अभी तो उसमें हम उसको थोड़ा स्किप करते हुए हम थोड़ा सा शुक्र के नक्षत्रों पर ही कंसंट्रेट करेंगे। तैतृय संहिता में लिखा हुआ है चंद्र है नक्षत्र मंडले संचरती, चंद्र जो है, चंद्रमा जो है नक्षत्र मंडल में संचार करता है अलग अलग, तो जैसा सबको पता ही है कि पूरे एक महीने में 27-28 दिन में सभी ग्रहों में नक्षत्रों में वो संचार करता हुआ वापिस उसी एक उसका राउंड पूरा कर लेता है पूरे ब्रह्मांड का, 12 राशियों का, 27 नक्षत्रों का। अब इनके नामकरण में एक कथा और तैतृय ब्राह्मण में वर्णित है जिसमें अनुराधा से लेकर भरणी तक के जो नक्षत्र उनका नामकरण किस कथा के इसमें हुआ है उसका एक रूप दिया हुआ है, जिसके भाष्य में आचार्य सायण ने लिखा हुआ है कि जिस समय देवासुर संग्राम हुआ उस समय देवताओं ने आपस में एक परामर्श किया आपस में कि हमें असुर संग्राम के लिए अनुकूल सामग्री से समृद्ध होना है, से राज होना है, तो उसमें श्लोक आता है अन्वेषाम राज मित्य अनुरुद्ध ज्येष्ठम वधिष्मेति ज्येष्ठग्नि, तो जिस नक्षत्र में यह सलाह की गई असुर संग्राम के लिए सामग्री को जुटाने के लिए उसे अनुराधा बोला गया, अनु प्लस राज का योग माना गया, जिस नक्षत्र में ज्येष्ठ असुर के वध की योजना बनी जिसमें योजना बनाई गई कि जो राजा है असुरों का जो उसका वध कैसे किया जाए, वह ज्येष्ठग्नि हुआ जिसका आजकल जिसको नाम ज्येष्ठ दिया गया, मूल मेषाम वक्षामिति मूल भरणी जन्ना सहंत तद छाड़ा, जिस नक्षत्र में असुरों के समूल नाश की योजना बनी उस नक्षत्र को मूल नक्षत्र बोला गया, इस नक्षत्र में असुरों को देवों का आक्रमण असहाय हो गया उसे आषाढ़ा बोला गया। तो ये जो नक्षत्रों के नाम है देवासुर संग्राम से इन्होंने आचार्य सायण के हिसाब से लिखा गया है कि इन्होंने इन नक्षत्रों के नाम ऐसे हुए। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए श्लोक आता है यद श्रोणात तत् छोणा यद श्रोणोत्तत् श्रविष्ठा, तो जिस नक्षत्र में बहुत प्रहार किए गए असुरों द्वारा वह श्रोणा हुआ, इसका लौकिक नाम आजकल श्रवण है, और जिस नक्षत्र में असुरों ने देवों के आक्षेप सुने वह श्रविष्ठा है जिसको आजकल धनिष्ठा बोला गया है। यच्छत भविष्य जन तच्छत भिषक प्रोष्ठ पदेशु दयच्छंत, जिस नक्षत्र में देवों ने असुरों द्वारा किए गए सो प्रहार को भिषज्ञ के मतलब उसकी औषधि लगाई उसका इलाज किया वह शत भिषक कहलाया, और जिस नक्षत्रों में आयुधों को पुराना तैयार पुनः उद्यत किया गया तैयार किया गया उसे प्रोष्ठ पदा कहा गया जिसको आजकल हम भाद्रपद बोला जाता है, दोनों आ जाएंगे यहाँ पे। रवत्याम रमंत अश्वजुजोर जुंजम अपभरणीश पावहन, जिस नक्षत्र में घोर रव शब्द किया गया वह रेवती है, जिसमें अश्व को रथ में पुनः जोता गया वह अश्व की अश्वनी है, और जिसमें उसके प्राणों का अपहरण हुआ असुर के सरदार का या अश्व के राजा का, जिसमें अश्व वो मारा गया उसे अपभरणी नक्षत्र कहा गया। तो ये जो तैतृय ब्राह्मण में जो कथा है इसमें अनुराधा से लेकर भरणी तक के नाम कैसे पड़े उसके बारे में एक विवरण दिया गया है। हालांकि ये शुक्र के नक्षत्र इसमें दो आते हैं, एक भरणी और एक पूरा भाद्रपद, तो इनका नाम कैसे हो इसके ऊपर है। अब शुक्र के नक्षत्र, वैदिक समय में कई नक्षत्रों के नाम हमें वो नहीं मिलते जो आजकल प्रचलन में, भरणी का नाम वैदिक अपभरणी है, पूरा फाग्नी का आजकल फल्गुनी बोला गया है, और पूरा शाड़ा का पूरा शाड़ा ही है या शाड़ा बोल देते हैं, इसका अंग्रेजी नाम भरणी का मस्का बोरियलिस, पूरा फाग्नी का लियोनिस, पूरा शाला का सजिटेरस साइन से लिया गया है, और इसके लॉन्गिट्यूड आप सबको पता ही है। और जैसे मैंने बताया कि इन नक्षत्रों का तीनों ही नक्षत्रों का तृतीय चरण ये पुष्कर नमाश का होता है, और साथ में पूर्व फाग्नि का जो पहला चरण है जो 13-20 से 16-40 तक बनता है क्योंकि वो लियो राशि में है, और लियो राशि का पंचम नमाश होता है और ये पंचम नमाश वर्गोत्तम होता है, तो ये वर्गोत्तम भी है साथ में, तो ये इन दोनों की खास क्वालिटी है स्पेशली। अब आते हैं भरणी नक्षत्र पर।
हरणी नक्षत्र में तीन तारे हैं जिसको एक स्त्री के जननांग का स्वरूप प्रतीत होता है, स्त्री की योनि बताया गया है इसको, और इसको एक नौका के समान भी बताया गया है जिसमें नौका समुद्र में जैसे नदी में कोई चलती है तो ये इसका शेप जो दिखाई गई है नौका स्वरूप या स्त्री के जननांग के स्वरूप से इसका तीन तारों का ये हरणी नक्षत्र कहा जाता है। इसके नक्षत्र देवता यम है। देखिए किसी भी नक्षत्र की जब हम बात करते हैं तो उस नक्षत्र का स्वरूप, उस नक्षत्र के देवता, उस नक्षत्र की राशि और उस नक्षत्र के ग्रह देवता, इन सबसे मिले जुले रिजल्ट सबसे हमको उसको देखने में आते हैं अगर उसका प्रभाव चंद्रमा पे, लग्न पे या सूर्य पे पड़ता है। इवन हम रोज का, हम जब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, प्रोफेशन की बात करते हैं तो टेंथ लॉर्ड का नक्षत्र इज आल्सो इम्पोर्टेंट। जब हम किसी भाव की बात करते हैं तो भाव का जो भाव मध्य का जो नक्षत्र दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो वी हैव टू सी ऑल फ्रॉम ऑल द एंगल्स क्योंकि वी हैव गॉट सो मेनी टूल्स। तो अभी हम इसको अपने आपको लिमिट करेंगे चंद्रमा, मून, सूर्य या लग्न के नक्षत्रों से। अब नक्षत्र देवता धरणी का यम है। यम को एक दंडाधिकारी भी बोला गया है, धर्म के नियमों का जो पालन करता है उसको ये प्रॉपरली अच्छा फल देते हैं, लेकिन जो इसके धर्म के नियमों का पालन नहीं करता उसको दंड भी देते हैं। तो यम के लिए वैदिक साहित्य में न्यायाधीश, संयमी, परमात्मा, वायु और सूर्यपुत्र वैवस्वत बोला गया है, और इसकी प्रिया भरणी नक्षत्र जो है विश्व का भरण करती है ये बोला गया है। इसी नक्षत्र में देवताओं ने यमराज का राज्याभिषेक किया था। भरणी नक्षत्र में क्योंकि मेष राशि है, मंगल की है और शुक्र इसका ग्रह स्वामी है इस नक्षत्र का, जो कि एक फीमेल को डिनोट करता है, तो इसमें पुरुष मंगल और स्त्री शुक्र इन दोनों की उत्पादक और सृजनात्मक शक्ति होती है, और इसीलिए शिव की शक्ति को इसका रूप माना गया है। तो इसमें जब हम शिव को पूछते हैं तो शिव की शक्ति को ही पूछते हैं, तो शिव की शक्ति एक तरह से इसका यहाँ पे डिनोट होता है। इसमें इन भरणी नक्षत्र के जातकों में सेक्सुअल डिजायर काफी होती है, मंगल और शनि शुक्र दोनों का इफेक्ट इसमें आ गया, और लेकिन इसके साथ साथ इनमें थोड़ी जम देवता होने के कारण इसमें हठ योग और ध्यान योग की शक्ति भी समाहित होती है। तो वो जिस कार्य अपनी धुन के पक्के हो जाते हैं, जिस कार्य को करने का ठान लेंगे उसमें ये काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसमें अपने तप से अपनी कमियों को दूर करने की अपभरणी शक्ति भी इनमें बरकरार होती है, और सूर्य क्योंकि इस मेष राशि में उच्च का हो जाता है तो इनके अंदर नेतृत्व शक्ति अधिकार भी देखता रहता है, और ये सरकारी इनको गवर्नमेंट से थोड़ा फेवर भी हमेशा मिलता है। तो वेदर देयर इन जॉब और इन एनी अदर ओपोनेंट के सीनियर से इनको हमेशा थोड़ी सी हेल्प मिलती रहती है। लेकिन अगर ये पाप प्रभाव में आ जाता, अगर ये नक्षत्र, तो ये इनका जो नेतृत्व शक्ति है या अधिकार जो इनको मिलता है उसके ये निरंकुश हो जाते हैं, फिर निरंकुश व्यवहार देते हैं, और इसीलिए इनकी फिर पीठ पीछे सब लोग बुराई भी करते हैं। ब्रह्मीर कहते हैं भरणी नक्षत्र के बारे में, के जातकों के बारे में, कत निश्चय सत्य रुख दक्ष सुकृष्टस्य भरणीशु। दृढ़ निश्चय करने वाले होते हैं, सत्यवादी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, सुखी होते हैं और अपने धुन के पक्के होते हैं, और काम को समय पर पूरा करके देना इनका गुण होता है, आस्था होती है। नारद जी कहते हैं काम उपचार कुशलः सत्यवादी दृढ़ता, सेम हो गई जो उन्होंने ब्रह्मीर ने कहा उसी को उन्होंने रिपीट किया है। उसके अलावा ये बोलते हैं रोग है शुभ गौ चाहता भरण्या लघु भुख सुखी। तो इसके अलावा ये प्रेम करने में प्रबल आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, जो मंगल और शुक्र से डिनोट होता है कि ये काफी प्रेम करने में काफी अच्छे माने गए। और इनको इनका जो भरणी का जो पोषण करना, सृष्टि बढ़ाना, ये मेन इनका दायित्व होता है। इसको ये करते भी है तो परिवार के लिए, अगर महिला का अगर भरणी नक्षत्र है तो परिवार को एक अच्छे से चलाती है, उसमें वो रूलिंग नेचर भी उनकी आ जाती है। अपने व्यवहार के कारण कई बार ये बदनाम भी होते हैं। पराशर ऋषि कहते हैं ये देखिए जब आएगा, जब इसमें नेगेटिव इफेक्ट अगर भरणी नक्षत्र पे आएगा तभी हम कहेंगे कि इसके जो नेगेटिव जो इफेक्ट है वो देखने में आते हैं। पराशर जी कहते हैं धीर है क्रूरो नित वाक पर वित्त हरो नरश चपल बुद्धि ही बहु शत्रु भृत्यो याम्य प्रिय मास मध्यश्च। अपने व्यवहार के कारण कुछ बदनाम हो जाते हैं, सफलता की लालसाई में बनी रहती है। नॉर्मली ये पानी से डरते हैं, डरने का मतलब क्या है कि ये थोड़ा पानी पीते भी कम है और ओवरऑल इनको थोड़ा सा पानी स्विमिंग वगैरह इन सबसे थोड़ा अवॉइड करते हैं कि पानी पानी में भीगने से इन्हें डर रहता है। सुरा सुंदरी से लेकिन परहेज नहीं करते, प्रिया मांस मद्दश्च, मतलब इनको मांस नॉन वेज या मद वगैरह से ये ज्यादा परहेज नहीं करते हैं।
और अगर ये पाप प्रभाव इन पे आ जाए तो ये झूठ भी बोलते हैं, दूसरों से धन निकलवाने में माहिर होते हैं, अपना काम निकलवाने वाले और अपने व्यवहार से शत्रु भी बना लेते हैं। तो इनके लिए आई एम द फर्स्ट, उसके बाद फिर दुनिया है, तो ये थोड़ा सा इनके नेचर में आ जाता है। तो ये भरणी नक्षत्र वाले आधुनिक काल में अगर देखते हैं तो इनके जातक के व्यवसाय, देखिए व्यवसाय की बात करेंगे तो यू विल सी मून नक्षत्र, लग्न नक्षत्र एंड टेंथ लॉर्ड नक्षत्र फ्रॉम बोथ मून एंड लग्न। अगर इसमें भरणी नक्षत्र आता है तो ये इनके जो प्रोफेशन हो सकते हैं वो फिल्म संगीत से जुड़े हो सकते हैं, पब्लिशिंग के हो सकते हैं, राइटिंग हो सकते हैं, मेंटल डिसीज के हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट से आदि, एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। इसमें कुछ तो देखिए आप मंगल के आते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गए, और कुछ फिर म्यूजिक वगैरह जो है ये सब शुक्र के हैं। हिटलर का जो मंगल और वीनस, लग्नेश वीनस हिटलर का, वो भरणी नक्षत्र का था। तो उसमें यू कैन वेरी वेल सी कि हाँ भाई उनमें उन्होंने जब वो एक बार निरंकुश शासन उन्होंने किया, इसको डिटेल में भाग लास्ट में देखेंगे कुंडली को। अगर ये नक्षत्र पीड़ित हो जाता है, पीड़ित इन द सेंस कि इस पे मैलिफी इफेक्ट आता है और 6-8-12 के स्वामियों से इसका संबंध बन जाता है, तो इनमें डिसीज जो ये दे सकते हैं वो सेक्सुअल डिसीज है, फेस पे होने वाले या आंखों के रोग हो सकते हैं, मस्तिष्क के रोग, सिरदर्द, माइग्रेन टाइप की बीमारियां इनको हो सकती है। स्वामी मुक्तानंद का लग्न, काल मास का चंद्रमा, सिगमेंट साइड सद्दाम हुसैन का सूर्य भरणी नक्षत्र में था। अब देखिए इसमें काम इच्छा काफी होती है, तो सिगमंड फ्राइड ने जो अपनी साइकोलॉजी जितने भी लिखी उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने सेक्सुअल टच काफी दिया, और वहीं से उनके सारे उनका ये था कि जो भी मनुष्य सोचता है इनहिबिशन, वो कहीं ना कहीं उसकी दबी हुई भावनाएं हैं सेक्स रिलेटेड जो कि उसके उस आती है, तो सिगमंड फ्राइड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। अब आते हैं शुक्र के दूसरे नक्षत्र पूर्व फाग्नी। पूर्व फाग्नी में दो तारे होते हैं, लियोनिस और जोस्मान। ये दोनों इस प्रकार होते हैं जैसे किसी मंच के दो तांगे हैं या दो सीट है जिसके ऊपर जो आम बराबर बराबर लगी हुई है, इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। इसमें देखा जाता है कि दो टांग, कुछ शास्त्र इसको दो टांगे लिखते हैं, कुछ में लिखते हैं कि बैंड, ऐसा बैंड जिसके पीछे कोई पीछे कोई टेक नहीं है, तो दो सीट बराबर बराबर आप सामने से देखो तो आपको दो ही पैर नजर आएंगे, दो नहीं आएंगे, तो वो पूर्व फाग्नी है। हालांकि ये युग में है, जोड़े में देखा जाता है नक्षत्र पूर्व फाग्नी और उत्तर फाग्नी, दो आगे वाले दो पीछे वाले, ऐसे इसमें देखा जाता है। फल्गुनी नक्षत्रम भगो देवता, यजुर्वेद के 34-36 और 34-38 में भग देवता, इसके भग जो देवता है इसका अर्थ बताया गया है, भजनीय परमात्मा, भोग देने वाले भजनीय, विद्वान, ऐश्वर्य, सूर्य, ये सब इस देवता के वाची या उसका जो अर्थ दिया गया है। भग देवता वैवाहिक सुख देते हैं, भोग कराते हैं बेसिकली, और पैतृक संपत्ति देते हैं, इनहेरिटेंस देते हैं। अब ये सिंह राशि में है बेसिकली, अब सिंह राशि में होने की वजह से इनको राजपाट अपना मिलता ही है कहीं से, और ये ऐश्वर्य सभी प्रकार का ऐश्वर्य सुख भोगते हैं, आनंद के लिए काफी प्रयुक्त होता है ये नक्षत्र। इनमें प्रजनन शक्ति असीम होती है, धन संपत्ता भी, कला प्रवीण भी होती है। एक राजा जिस प्रकार से कला का भोग करता है उसी प्रकार से ये भी सभी कलाओं का भोग करते हैं। यह विजय शत्रु विजयी बनाता है, इसका संबंध शिवलिंग की उपासना से लिया गया है। शिव जी पर नित्य है, अगर कोई हम जल चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं, लिंगाष्टक का नियमित पाठ करते हैं, तो ये जब इस नक्षत्र अगर किसी का पीड़ित है उसको उसमें उत्तम प्रभाव देता है। अब इसमें संगीत की, नृत्य की, नाटक में रुचि, ये सब होती है, समाज में ये मिलनसार होते हैं लोग काफी, परंतु सिंह राशि होने की वजह से ये चाहते हैं कि मेरे बात को कोई काटे ना, ये मेरे ऊपर ही सब मेरे आसपास सेवक रहे या मेरे को फॉलोअर्स रहे, जो मेरे से प्रतिद्वंदिता रखता है उसे अपने पास ये फटकने नहीं देते हैं। इस नक्षत्र के जातक को पानी से बहुत प्यार होता है, ये जल कीड़ा पसंद करते हैं। आपने सुना होगा पुराने समय में राजा महाराजा काफी समय तक जल में ही कीड़ाएं करते थे, तो सिंह राशि है यहाँ पे और शुक्र का नक्षत्र है, तो ये जल कीड़ाएं काफी करते हैं। इनकी वाणी में तो मधुरता रहती है और सबके काम आने वाले होते हैं। भ्रमणशील है, आमोद प्रमोद के लिए भ्रमण काफी करते हैं, ये टूरिज्म इनका अच्छा बना रहता है। आकर्षक व्यक्तित्व रहता है, राज के सेवा या संपत्ति से इन्हें तरक्की पाते हैं, इनके कॉन्टेक्ट बड़े अच्छे होते हैं, अच्छे लेवल के। राम ही कहते हैं, लिखते हैं, प्रिय वाग दाता,
द्युतिमान अटनो नर्क सेवको भाग्य, तो ये भौतिक संपत्ति पाने में भाग्य के धनी है, इनको सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है, संतान इनकी नॉर्मली कम होती है और ये दूसरे को धकेल कर आगे आने का इनको मौका मिलता रहता है जीवन में और प्रोग्रेस करते हैं, किसी और की कॉस्ट पे कई बार प्रोग्रेस कर जाते हैं, परंतु अपने भोग विलास की वजह से ये ज्यादा धन जो इनको मिला है उसको ये समेट नहीं पाते पूरा, वो एकत्रित नहीं कर पाते। पराशर ऋषि लिखते हैं, बहु भाग्य अल्पापत्य सुभग प्रिय दृष्णो नरो अल्पधना नीति प्रबुद्ध बुद्धि पर भाग्य विभूर भवती भाग्य, के भाग्य में धन पूरा होता तो है परंतु ज्यादा स्टोर नहीं कर पाते हैं, अपने ही अपने आमोद प्रमोद में ये खत्म कर देते हैं। नारद जी कहते हैं, द्वितीय मान टनो दाता नृत्य शास्त्र विशारदा कार्य विचारक जो भाग्य नक्षत्र जो है पटु, तो ये लाभ हानि का जल्दी आकलन कर लेते हैं, अभिमानी होते हैं, इसी वजह से इनके पीठ पीछे ये निंदा के पात्र होते हैं, शरीर में इनके नसों का उभार काफी होता है, जल्दी ही काम पीड़ित हो जाते हैं, अनुशासन और दंड के विषय में ये कई बार कठोरता का व्यवहार करते हैं, और ये पूरा फागुनी का जो नक्षत्र है ये अपने अधीन सेवक बहुत लगता है, अगर कोई इनसे कंपटीशन में आएगा तो ये उसके साथ नहीं रहेंगे, या तो खुद हट जाएंगे नहीं तो दूसरे को हटा देंगे। आधुनिक युग में पूर्व फागुनी अगर हम देखते हैं तो अभिनेता, म्यूजिक से रिलेटेड, बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, रेडियो, टीवी, फोटोग्राफी, डांस, गवर्नमेंट जॉब, ज्वेलरी जो शुक्र के कारकत्व के सारे आ गए इसमें, एंड अध्यापक, राजनेता, वैवाहिक सलाह जो मैरिज काउंसलिंग के जितने भी वो प्रोफेशंस हैं वो सब पूर्व फागुनी नक्षत्र से कनेक्टेड है। अगर ये नक्षत्र पीड़ित हो जाए तो इनको स्किन डिसीज का भी हो सकते हैं, इनको एडिक्शन लगने की पूरी पूरी संभावना होती है अगर ये इंडल्ज हो जाते हैं तो। हार्ट पंचम राशि हृदय की है सूर्य की, तो ये हृदय रोग इनको हो सकता है, रक्त रोग हो सकता है, सेक्सुअल डिसीज हो सकते हैं और साथ में अग्नि दुर्घटना होने का भय भी बना रहता है। मैडोना क्वीन ऑफ पॉप जो थी उसका लग्न और चंद्रमा दोनों ही पूर्व फागुनी के हैं, जूनियर कैनेडी का लग्न भी पूर्व फागुनी का है, जिमी कॉर्नस का सूर्य पूर्व फागुनी, तो मनी पर्सनैलिटी जिनका आपको मिलेगा कि यहाँ पे सूर्य पूर्व फागुनी, क्योंकि इन्होंने इस नक्षत्र शुक्र के नक्षत्रों के जातक जिनका मून या लग्न या सूर्य अगर इसमें होते हैं तो उनको यश मान सम्मान धन संपत्ति सब मिलता है। अब आते हैं पूर्वाषाढ़ा पर, पूर्वाषाढ़ा में भी दो तारे हैं, काउस बोरियलिस एंड काउस ऑस्ट्रेलिस, ये हाथी के दांत के समान भाव प्रतीत होता है, ये देखिए इसके एक वो शेप है। अब इसमें इसको शास्त्रों ने दो तारों की विवेचना ऐसे की है कि ऐसे उठे हुए हैं जैसे जब क्रोधित गज अपना सूंड ऊपर करके जब चिंगारते हैं तो उसके दोनों दांत ऊपर की तरफ हो जाते हैं, उस प्रकार की शेप इन्होंने पूरा शाड़ा की दी है। पूरा शाड़ा की जो शेप है बड़ी इसकी विवेचना जनरली इन्होंने आकाश में उसी प्रकार की स्थिति मानी है, और इसको साथ में इन्होंने जिस प्रकार क्रोधित हाथी अपराजय होता है इसको भी इंडिफिनिट स्टार माना गया है, इसको हराया नहीं जा सकता अगर ये अपने क्रोधित हो जाता है तो। आषाढ़ नक्षत्रम आपो देवता, आप बोला जाता जल को, तो तैतृय संहिता कहती है कि पूरा शाड़ा नक्षत्र का देवता आप है यानी जल है। अब ये जल कौन सा है, ये जल दिव्य जल है जो आकाश में होता है और ये हमें पृथ्वी पे जब आता है तो ये है कुएं में, समुद्र में, सरोवर में, नदी में, किसी भी जलाशय में हो, लेकिन ये मधु के समान ही स्वास्थ्य देने वाला होता है, अमृत के समान होता है। इसमें वैदिक साहित्य में इसकी शेप को पवित्र पलाश का जो दंड होता है, पलाश बोला जाता है, ये जो ढाक जो इसमें जिसके पत्तल वगैरह पलाश का जो फूल होते हैं, पलाश के फूल का नाम सुना, उसका जो फल के नीचे दंड बना होता है तो उसको काफी पवित्र माना गया है, ब्रह्मचारी को जनरली उसको लेके चलते हैं, तो उसके दंड को आषाढ़ बोला गया है। आजकल उसको दो हाथी के दांतों को जैसे मैंने बताया शेप दिखाई उसकी आकृति माना जाता है। वैदिक साहित्य में इस जल की को कृत मधु, अमृत, जीवन, क्षीर, भेषज, रस, क्षेम, सुख, पवित्र और कई नामों से इसको उल्लेख किया गया इस जल का। ये पेय भी है और पय भी है, जिसको पालन जो हमारे उराल हमारे लिए अमृत का काम करता है।
इसको डिफीट सार मैंने बताई दिया, इसको हराया नहीं जा सकता। ऐसे जातक में दूसरे लोगों को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें बृहस्पति और शुक्र दोनों की ही ऊर्जाएं हैं, बृहस्पति की राशि है और शुक्र का नक्षत्र है। यह नक्षत्र विवेक भी देता है, धन संपत्ति देता है, प्रसिद्धि देता है, प्रजन क्षमता है, प्रजन क्षमता काफी असीम मानी गई। रीजन क्या है? क्योंकि जब हम इसे हाथी से जोड़ते हैं तो जो मेल एलिफेंट है उसको भी काबू में करने के लिए फीमेल एलिफेंट का ही इस्तेमाल कर किया जाता है। तो इसकी प्रजनन शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है कि हाथी जब मतवाला हो जाता है हथनी के पीछे तब उसको काबू कर किया जाता है, अदरवाइज इसको काबू नहीं किया जा सकता। तो इसमें प्रजनन क्षमता काफी होती है। इस नक्षत्र के जातक में आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान होता है। अब बृहस्पति और शुक्र के दोनों का इफेक्ट आ गया, नेचुरली आध्यात्मिक इसमें ऊर्जा है इसके अंदर और अंतर्ज्ञान भी है साथ में। तो ये इसमें फिलोसफिकल और अपनी जो ईश्वर को मोक्ष प्राप्त करने की इनमें काफी क्षमता होती है। और अगर ये अपना अहंकार त्याग देते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा अहंकार का दुर्गुण भी इसमें साथ साथ जुड़ा हुआ है, अगर ये अपना अहंकार त्याग देते हैं तो इनको मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। उनको इच्छा भी मन में रहती है कि मैं सब कुछ त्याग कर छोड़कर मोक्ष के लिए अग्रणी हूं। लेकिन ये जब ही होगा जब इस पे कोई पाप प्रभाव नहीं होगा। अगर पाप प्रभाव होता है तो ये अहंकार इतना प्रबल हो जाता है। अहंकार प्रबल होने से ये दूसरों की भावना और इच्छाओं को दबा देते हैं। इसका सबसे ज्यादा अच्छा उदाहरण है एडल्फ हिटलर का, जिसका मून जो है पूरा शाड़ा का था, उसका बृहस्पति भी पूरा शाड़ा में था और केतु भी जो झंडा है पूरा शाड़ा का ही था। आप देख सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में उसके हिटलर का जो झंडा था काफी ज्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड फैल गया था और उसने काफी ज्यादा नोटोरियस हुआ वो फ्लैग, और काफी उसने मानवता को त्रासदी भी थी। यह जल नक्षत्र है। जल नक्षत्र होने से जहां पे ये प्रसन्न होगा जिसके ऊपर, उस पर तो खूब बरसेगा, उसको खूब ख्याल रखेगा, परंतु अगर नाराज हो गया तो ये उसको सूखा ही रखेगा, उसकी उसने केयर बिल्कुल नहीं करनी चाहे वो कितना भी रिक्वायरमेंट उसकी हो, इन्होंने उसको कुछ भी हेल्प नहीं करनी। तो इसमें ये बड़ा जरूरी है कि ये जिसपे प्रसन्न होते हैं उसको तो सब न्योछावर कर देते हैं और जिसपे प्रसन्न नहीं होते नाराज होते हैं उसको बिल्कुल त्याग भी देते हैं। स्वाभिमानी होते हैं, अपने तरीके से आनंद लेने वाले हैं, की मित्रता वाले हैं, मिलनसार हैं। इनकी पत्नी भी मिलनसार होती है, क्योंकि देखा जाए धनु के अपोजिट जो राशि है मिथुन की है तो बुध वाले थोड़े मिलनसार माने गए हैं। वराहमिहिर लिखते हैं इष्टानंद कलत्रो वीरो दृढ़ सुहृदश्च जल देवे। नारद जी कहते हैं सकलत्रः कामचारः कुशलो दृढ़ सुहृदः क्लेश भाग वीर्यवान मानी चल नक्षत्र संभवः। इनको स्वच्छंद आचरण की प्रवृत्ति होती है, किसी के अपने ऊपर ये किसी का एक कंट्रोल सहन नहीं कर सकते, ये स्वच्छंद तरह से मुंह करने वाले होते हैं, सामर्थ्यशाली होते हैं, कार्यकुशल रहते हैं। दोनों गुरु हैं बृहस्पति और शुक्र, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि इसमें इनकी ऊर्जा किस प्रकार की होगी। पराशर ऋषि कहते हैं सलील पथ कर्म सिद्धः क्लेश सहिष्णु परस्य दारिच्छु नित्य कल्य शरीरः प्रिय मध्य पूर्व शाड़ाश्व। पसीना बहुत आता है इनको, बार बार पानी पीते हैं, लत भी पड़ सकती है, तो शराब ज्यादा काफी पीते हैं। शुक्र को माना गया है कि ये पहले इन्होंने क्योंकि असुरों के गुरु थे इन्होंने मद्यपान बहुत किया, परंतु एक बार जो स्टोरी है पूरी इनकी लड़की इनके लिए इनको मद्य पिला के इनको मिसयूज किया इनके असुरों के राजा ने, तो उसके बाद इन्होंने मद्य का त्याग कर दिया था। दूसरे की स्त्री को पसंद करते हैं, इनके शरीर में शीतलता बनी रहती है, सामान्य जलीय यात्रा से धन कमाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना ज्यादा ये अक्रॉस द सी जाएंगे उतने ज्यादा इनको पैसे कमाएंगे। तो जल की वस्तुओं से या जल पे लगे हुए चाहे वो पुल पे लगा हुआ टैक्स हो या रेत हो, जल से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन सबसे ये धन कमाते हैं। तो पूरा शाड़ा नक्षत्रों को वाटर से कनेक्टेड जितनी भी लाइन है, नदी से कनेक्टेड, समुद्र से कनेक्टेड जितनी भी लाइन है, बेसिकली वरुण देवता हम कह सकते हैं, क्योंकि जल आप देवता होते हैं तो वरुण भी कह सकते हैं इनको, तो वरुण देवता इन पे काफी धन देने वाले होते हैं। तो जितना ज्यादा ये देश विदेश में जाएंगे उतने ही ज्यादा धन ये कमाते हैं। आधुनिक युग में इसके जो व्यवसाय है ज्योतिषी क्योंकि दोनों गुरु हो गए, अध्यापन टीचर टीचिंग का जो हो गया, भाषाविद शुक्र और बृहस्पति दोनों है, धर्मगुरु राजनेता, व्यापार प्रबंधन भू वैज्ञानिक शोधक यात्रा संबंधी व्यापार हो सकते हैं।
अगर ये नक्षत्र पीड़ित हो जाता है तो इनको कानों के रोग हो सकते हैं, सेक्सुअल डिसीज हो सकते हैं, गठिया भाई के या घुटनों के रोग हो सकते हैं। एडल्फ हिटलर का, टाइगर वुड्स का चंद्रमा पुराषाढ़ा का है, परमहंस योगानंद का सूर्य पुराषाढ़ा में। शुक्र के तीनों नक्षत्र उग्र नक्षत्र माने गए, उग्र संज्ञा के अग्नि तत्व राशि नेचुरली, और इन मुहूर्त में इन नक्षत्रों का इस्तेमाल हम उग्र कार्य करने के लिए लेते हैं। उग्र कार्य में शत्रु संबंधी हो गए, तंत्र संबंधी हो गए, मुकदमा करना, शत्रु पर आक्रमण करना या उनसे संधि करना, उसके अगेंस्ट किसी भी प्रकार की ट्रिक इस्तेमाल करना, चतुराई के कार्य इतने में हो गए, तो ये सब मुहूर्त में इन्हें यूज किया जाता है। पर साथ ही स्वभाव, इसके जातक भी उग्र स्वभाव के होते हैं, पैशनेट होते हैं, लेकिन जब उनकी पैशन में कोई रुकावट आती है तो क्रोधित होते हैं। क्रोधी स्वभाव के हैं, कठोर भाषी हैं, आक्रामक हैं, दबंग हैं, हिंसक हैं, आक्रामक हैं, साहसिक कार्य में रुचि करते हैं, काफी ब्रेव रहते हैं नॉर्मली, किसी भी चीज को आगे बढ़ के कार्य करते हैं, किसी भी चीज में इनको डर नहीं लगता है। देखिए ये जो मैं करेक्टरिस्टिक्स हम तीनों नक्षत्रों की बता रहा हूँ, हो सकता है किसी कुंडली में नक्षत्र हो लेकिन ये इतना नहीं इफेक्ट आ रहा। रीजन क्या होता है, देयर अदर पैरामीटर्स आल्सो ऑफ द इन द होरोस्कोप, कि हमारे सब हम कहते हैं कि ये कठोर भाषी है तो सेकंड हाउस में कौन से किस टाइप के प्लैनेट बैठे हैं, सेकंड लॉर्ड कैसे प्लैनेट के साथ बैठा है, दैट वी हैव टू सी फर्दर। तो हमें वी हैव टू सी द होरोस्कोप इन टोटैलिटी, बट दिस इज स्पेसिफिकली आई एम डिस्कसिंग अबाउट द वीनस नक्षत्र, उग्र नक्षत्र माने गए। उग्र तथोग्र प्रकृति प्रकृति वध बंध रुचि सदा, इनकी वध बंधन वगैरह में रुचि रहती है काफी। अधोमुखी नक्षत्र है तीनों के, अधोमुखी मतलब जो भी कार्य अधोगमन नीचे जाने के होते हैं उसके लिए प्रशस्त माने गए हैं। अब नीचे के जमीन के नीचे कौन से कार्य हो गए, कुआ बावड़े खोदना, नलकूप वगैरह, बोरिंग वगैरह कराना, गुफा बनवाना, सुरंग बनवाना, भूमिगत सड़कें बनवाना, खुदाई करना, बेसमेंट बनाना, ये सब इसी के कार्य हैं। या नीचे जाने गति के जो नीचे जाने के कार्य हैं, पहाड़ से उतरना, जहाज की लैंडिंग, नीचे कूदना, ये सब इस मुहूर्त में प्रशस्त होते हैं अधोमुखी नक्षत्र में, उसके लिए ये ज्यादा अच्छे माने गए हैं। इवन जमीन के नीचे के जितने पदार्थ के काम है, पेट्रोलियम वगैरह, उन सब में भी ये नक्षत्र प्रशस्त है, जैसा कल भी ब्रिगेडियर शर्मा जी ने डिस्कस किया था। तो ये तीन ये नक्षत्र कुल अकुल नक्षत्रों में, भरणी और पूर्वाषाढ़ा जो है कुल नक्षत्र का ही, नक्षत्र मतलब तारा है तो कुल तारा है बेसिकली। तो कुल तारा मतलब अपने कुल के तारा है, कहने मतलब ये है कि इसमें जो जन्म इन नक्षत्रों में जिन जातक का जन्म होता है वो अपने खानदान में अग्रणी होते हैं, वो माता पिता के स्तर को काफी बढ़ाते हैं और उनके कुल में वो सबसे ज्यादा अच्छे माने, अच्छे आगे बढ़ने वाले माने जाते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं कुल के। तो कुल नक्षत्र है भरणी और पूर्वाषाढ़ा, जबकि पूरा फागुनी जो है ये अकुल नक्षत्र बोले गए हैं। ये अपने परिवार के रीति रिवाजों को, ट्रेडिशन को, कल्चर को, उसी को आगे मेंटेन करते हैं उसी लेवल पर, और वो उसी को आगे अगली जनरेशन तक ट्रांसफर करते हैं। जो भी हमारे परिवार की जो धरोहर है उसको ये आगे ले जाते हैं। तो ये अकुल नक्षत्र पूरा फागुनी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब जब कोई नक्षत्र पीड़ित होता है तो हमें उस नक्षत्र से संबंधित पेड़ कई क्लासिकल में मेंशन किए गए हैं कि किस प्रकार उससे संबंधित का पेड़ों का हम वृक्षारोपण करते हैं या फिर पूजा करते हैं उस वृक्ष पेड़ों की, तो वो एक अच्छा फल देते हैं उस नक्षत्र के, हमें जो उसमें पाप प्रभाव उसमें कमी आती है। तो भरणी का जो नक्षत्र वृक्ष है वो केला है और आंवला है। पूर्व फागुनी का जो नक्षत्र वृक्ष है ढाक है, और पूर्वाषाढ़ा का नक्षत्र वृक्ष जामुन है। तो अगर इन नक्षत्रों वालों को इन प्लांट के वृक्षों की प्लांटेशन करनी चाहिए अगर पीड़ित आता है तो, और साथ में इन्हीं वृक्षों की पूजा भी उन्हें करनी चाहिए। मुंडेन में नक्षत्र जाति का उल्लेख किया गया है कि जब कोई नक्षत्र आकाश में पीड़ित होता है तो किस किस जाति को प्रॉब्लम आती है। तो भरणी नक्षत्र अगर पीड़ित हो तो चंडाल जाति के लोगों को प्रॉब्लम रहती है। पूर्व फागुनी अगर है और पूर्वाषाढ़ा है, दोनों ही केस में ब्राह्मण जाति को तकलीफ पहुंचती है। तो मुंडेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है नक्षत्र जाति का, कि ये नक्षत्र आकाश में जब पीड़ित हों तो किस किस जाति के लोगों को पीड़ा होगी। अब हम आते हैं इसके बाद कारकत्व में, कि किस नक्षत्र का कौन सा कारकत्व होता है। तो जन्म कुंडली में जो नक्षत्र पीड़ित हो
वह नक्षत्र जो भाव में पड़ेगा उस भाव की हानि होगी। जनरल प्रिंसिपल है ये, सबको पता है आपको। इसके साथ ही वराह मिहिर ने यह बोला है कि नक्षत्र के जो कारकत्व हैं वो भी नक्षत्र के पीड़ित होने पर पीड़ित ही रहते हैं, और उसमें कोई बहुत ज्यादा शॉर्टेज होने की या उसमें कोई जैसे कोई फसल चली गई खत्म हो गई वो सब उसमें इफेक्ट आते हैं, उस पदार्थों की दिक्कत बनी रहती है समाज में। तो इसका इस्तेमाल हम रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, प्रोफेशन के लिए भी करते हैं। तो इसके लिए जैसे बताया मैंने अभी कि हम लग्न नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र, टेंथ रोड, इन सबको देख कर हम उसका एक प्रोबेबल, उसका जो कनेक्शन जब टेंथ हाउस, इलेवंथ हाउस, सेकंड हाउस या लग्न से होता है तो हम उससे रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन या बिजनेस हम उसको बताते हैं कि ये किया जाना चाहिए। तो वी हैव टू सी द नक्षत्र ऑफ द लग्न, नक्षत्र ऑफ द मून, नक्षत्र ऑफ द टेंथ लॉर्ड फ्रॉम द लग्न, नक्षत्र ऑफ द टेंथ लॉर्ड फ्रॉम द मून एंड देयर कनेक्शन विद द इलेवंथ लॉर्ड, इनकम है, टेंथ लॉर्ड कार्य वही कर रहे हैं, सेकेंड लॉर्ड अगेन धन। तो इससे जब हमारा कनेक्शन बनता है तो देन वी कैन वेरी वेल प्रिडिक्ट कि ये प्रोफेशन उसने रहना चाहिए। हरणी नक्षत्र के जो कारकत्व है इसमें जनरली मंगल है और शुक्र है, तो मंगल के लिए हम एक्सीडेंट से रिलेटेड या ऑपरेशन से रिलेटेड जो रक्त और मांस से है उससे संबंधित लोग आते हैं, कसाई भी उसमें आ गए, प्रोफेशन जो नॉन वेज की सारे आ गए, पैथोलॉजिस्ट हो गया उसमें अगेन इनका रोल होता है, पोस्टमार्टम का होता है, पुलिस का होता है मंगल अगेन, जो भी हमारा टेररिज्म फैलाते हैं उस टाइप के लोग सब भरने के कारकत्व में आते हैं कि प्रूव रहे उग्र है, उग्र स्वभाव के हैं। मोटे अनाज इसका भूसा बनता है, ये सारे अनाज भरने के कारकत्व में, नीच कुलिया नीच स्वभाव के लोग भरने के कारकत्व में, तमोगुणी लोग, क्रूर तांत्रिक शव साधना करने वाले लोग, शारीरिक कष्ट या हानि पहुंचाने वाले पदार्थ या दवा, लाइक कैंसर की जो मेडिसिन है उससे शरीर को भी काफी, चाहे वो कैंसर तो दूर करती है परंतु शरीर को भी काफी नुकसान पहुंचती है, तो दैट विल बी इन द कारकत्व भरने से। डिस्प्यूट से रिलेटेड सारे कार्य, चाहे कोर्ट कचहरी के हों, झगड़े के हों, वकीलों के हों, अस्त्र शस्त्र के हों, सारे के सारे भ्रण के कारकत्व। पूर्व फाग्नि के कारकत्व में म्यूजिक इज द मेन, तो गीतकार, संगीतकार, गायक, कवि, चित्रकार, नेम एंड फेम देने वाले, इन्हीं चीजों से नेम एंड फेम देने वाले सारे कार्य वो पूर्व फाग्नि के कारकत्व में। हैंडीक्राफ्ट, सूत, साल्ट को खरीदना बेचना, ये सब फाग्नि का है। शहद, मुरब्बा, तेल के व्यवसाय, बालकों को शिक्षित करना हो गया, टीचिंग का काम हो गया इसमें, मांस विक्रेता, वकील, फैसला कराने वाले जितने भी काउंसलर होते हैं, या अग्नि कर्म करने वाले, ये सारे के सारे पूर्व फाग्नि के कारकत्व हैं। पूर्व अषाढ़ा के कारकत्व में वरुण इसका देवता है, आप देवता है, तो समुद्र यात्रा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाव, मर्चेंट नेवी, इवन नेवी डिफेंस नेवी भी इसी के अंडर आएगी। पानी के जंतु या पानी से जितने भी हमारा व्यवसाय होते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक का हो, चाहे वो मछलियों का हो, चाहे वाटर बेस्ड प्लांट्स के हो, पानी से जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं, चाहे उसके अंदर के रत्न हो या उसके कोई भी मिनरल्स अगर पानी से निकल, पानी के अंदर समुद्र से भी निकलते हैं, तो इवन पेट्रोलियम वगैरह सब उसी से आएंगे। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और फल और फूल के कार्य, ये सब हमारे इसी के कारकत्व में आते हैं। Now I will see one or two horoscope as Pradeep ji has permitted me today. Take some time, so I will take it. ये मैडोना की कुंडली है। मैडोना 16/8/1958 7:05 बे सिटी यूएसए अमेरिकन सिंगर है, एक्ट्रेस, डांसर, डायरेक्टर, बिजनेस वूमेन, ऑथर, सॉन्ग राइटर, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड सभी कार्य इसने की मैडोना ने। एंड इनका मून और लग्न दोनों पूर्व फाग्नि में है, इवन गुलिक भी पूर्व फाग्नि में ही है। मंगल जो है 9th हाउस में भरणी का है, इवन मंगल को जो एस्पेक्ट पेनेट कर रहे हैं जुपिटर राहु, ये मंगल के ही नक्षत्र में होने की वजह से, और मंगल क्योंकि भरणी नक्षत्र में है तो ये भी अल्टीमेटली शुक्र में ही कनेक्ट, शुक्र से ही कनेक्ट कर रहा है। लग्नेश खुद शुक्र के साथ बैठा है 12th हाउस में, 10th रॉड शुक्र है,
यहाँ पर 12th और लग्न का एक्सचेंज है, 12th लॉर्ड इन लग्ना, लग्ना लॉर्ड इन 12th, बट मून कनेक्टेड विद द पूर्व अग्नि नक्षत्र एंड सन कनेक्टेड विद द वीनस, यहाँ पे वीनस का इफेक्ट आ रहा है, तो मोर और लेस कुंडली थोड़ी सी शुक्र प्रधान ज्यादा हो गई है। इस मैडोनो को क्वीन ऑफ पॉप बोला गया है, पॉप म्यूजिक इसको टाइटल दिया गया। इनमें कई सीरीज ऑफ एल्बम मैडोना ने निकाली, ग्रैमी अवार्ड विनर शिवाज, इनके गिनीज बुक में ऑफ वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका 30 मिलियन रिकॉर्ड्स की सेल होने का इसका रिकॉर्ड है, 30 मिलियन रिकॉर्ड्स इनके म्यूजिक रिकॉर्ड्स जो सेल हुए। रोलिंग स्टोन ने जब 100 टॉप आर्टिस्ट को लिस्टिंग किया उसमें मैडोना का नाम है, तो दिस गिव्स ए लॉट ऑफ की शुक्र प्रधान जो पूरा फाग्नि नक्षत्र है उसका बुल का इफेक्ट यहाँ पे नजर आता है सामने कुंडली में, परंतु शुक्र यहां पर पीड़ित है इन द एनिमी साइन विद द सन एस्पेक्टेड बाय द मार्स। मार्स क्योंकि खुद फीमेल कुंडली में नाड़ी में हस्बैंड का कारक है और ये तामसिक ग्रह है, केतु के साथ है और ये राजसिक नक्षत्रों में चला गया शुक्र के, तो इसने अशुभ रिजल्ट देने हैं। एंड मार्स जो है एस्पेक्टिंग द वीनस अगेन, यहां पर मंगल से रिलेटेड हस्बैंड से रिलेटेड इनकी मैरिज वाज नॉट सक्सेसफुल। इनिशियली शी मैरिड इन द ईयर 1985 इन द मून वीनस दशा, चली नहीं, शी गॉट डाइवोर्स इन 1989 इन मून एंड सैटर्न, मून सैटर्न की दशा में इनका डिवोर्स हो गया। नेक्स्ट मैरिज वाज इन राहु सैटर्न दशा इन 2000, अगेन दैट वाज मैरिज वाज एंडेड इनटू अ डिवोर्स इन राहु वीनस एंड राहु सन दशा इन 2008। तो यू कैन वेरी वेल सी कि एक तरफ जहां पे पूरा फाग्नि नक्षत्र ने इनको नेम फेम ऐसा सभी कुछ दिया इनको म्यूजिक इंडस्ट्री में, शी वाज वन ऑफ द टॉप पॉप आर्टिस्ट, ऑन द अदर हैंड बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द मार्स के मंगल जो पति का कारक है, राहु केतु एक्सिस पे है साथ में इन द नक्षत्र वीनस एंड तामसिक और राजसिक ग्रहों के मिलन से यहाँ पे मैरिटल लाइफ में शी वाज नॉट हैप्पी फ्रॉम हर मैरिटल लाइफ। शी शिफ्टेड टू न्यूयॉर्क इन 1978, चंद्रमा की दशा शुरू हुई 1977 से, एंड शी हैड अ टेस्ट ऑफ सक्सेस फ्रॉम द मून दशा इटसेल्फ, और मून दशा आगे फिर ये काफी इसको सक्सेसफुल रही। इन 79 से शी वाज अ रिकॉग्नाइज्ड पॉप सिंगर एंड टिल नाउ शी इज वेल नोन इन दिस लाइन। दिस इज अनदर होरोस्कोप ऑफ एडोल्फ हिटलर, इसमें 5 प्लैनेट शुक्र के नक्षत्रों में, चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा में, जुपिटर पूर्वाषाढ़ा में, केतु पूर्वाषाढ़ा में, मंगल भरणी में, वीनस भरणी में, लग्न शुक्र का ही है, लग्नेश शुक्र के ही नक्षत्र में। हिटलर वाज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया, लेटर शिफ्टेड टू जर्मनी एंड इन 1933 एंड राहु दशा स्टार्टेड, राहु भाग्य भाव में और राहु की दशा से इनका राइज, जो प्रॉपर राइज जिसको हम बोलते हैं डिक्टेटरशिप का, वहां स्टार्ट हुआ इनका। यहाँ पे शुक्र के दोनों नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा राहु केतु से पीड़ित है और भरणी जो है वो मंगल सूर्य सभी से पीड़ित हो रखे हैं। यहाँ पे राहु दशा जब स्टार्ट हुई, राहु 9th में एस्पेक्टेड बाय द 10th लॉर्ड मून, 3rd एंड 6th लॉर्ड जुपिटर,
तो दोनों पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में और राहु खुद बृहस्पति के नक्षत्र में। इस दशा में 1 सितंबर 39 को जब राहु में मरकरी चल रहा था, इसने पोलैंड में इन्वेट कर दिया, जिससे वर्ल्ड जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रारंभ माना जाता है। मरकरी यहाँ पे नाइन्थ नोड के सेवंथ हाउस में बैठा हुआ है, एस्पेक्टेड बाय द सैटर्न फ्रॉम द 10th हाउस इटसेल्फ एंड मार्स, तो ये एक विस्फोटक स्थिति पैदा करेगा। और जुपिटर का भी एस्पेक्ट है इसमें, अगेन राहु केतु की दशा में इसने हिटलर ने ऑर्डर दे दिए रशिया में अटैक करने को 1 जून 1941 में, जिससे कि सारी की सारी जो दूसरे कंट्री थे वो सारे के सारे यूनाइट हुए। एंड हिटलर इज नोन फॉर हिज एट्रोसिटीज द ज्यूज, जिसने 60 मिलियन ज्यूज को नरसंहार किया, 19.3 सिविलियंस एंड 29 मिलियन प्रिजनर्स ऑफ वार को कहा जाता है कि इसने डेथ सेंटेंस दी या गैस चैम्बर्स में डाल दी। मून दशा 1913 जिसकी शुरू हुई 1913 में, तो ये जर्मनी मूव कर गया था। 1919 में इसने अपने एक जर्मन वर्कर्स यूनियन में पार्टिसिपेट किया, उसी में फिर ये लीडर बन के आ गए जिसने नाजी पार्टी इसने बना दी। एंड फाइनली ही वाज डिक्लेयर्ड चांसलर इन 1933। मैरिज लाइफ यू कैन सी इज वेरी डिफिकल्ट, ही हैड ए लवर बट डिडंट मैरी हर। जस्ट ऑन 29th April 1945, 2 days बिफोर द डेथ ही मैरिड। And 2 days after, when Russian army was very close to capture him, they both husband wife committed suicide. So, Venus के ऊपर Venus मास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रह युद्ध में है, 24 degree 4 minutes और 24 degree 23 minutes, और शनि का aspect उसके पास भी close आ रहा है, सूर्य साथ में बैठा हुआ है। So this proves all the this unnatural death उन्होंने gunshot से अपनी death की। This is all about this. Any question, if it permits? Yes, sir. Thank you very much. Yeah. Thank you. Thank you, Sunil ji. Sharma sir, मेरे क्या लाश को हैं सर, बात हुई थी मेरी उनसे। किससे? ये शर्मा सर। हाँ आ गए वो सर। सुनील शर्मा जी तो कोई किसी को प्रश्न अगर है तो एक दो प्रश्न ले लेते हैं। अगर प्रश्न था, किसी ने पूछा था, नाम तो पता नहीं मुझे, इन्होंने बोला कि इनका जल देवता क्यों माना गया है। आप उसमें मैंने जनरल रिमार्क्स में दे दिया था, पर सुनील सर बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए बृहस्पति जो है एक हमारे जीव की एक तरह जीव को डिनोट करता है, मूल त्रिकोण राशि है हमारी। और जब बच्चे का जन्म होता है कहीं से तो वो उसमें गर्भ से वो निकलता है तो वो जल के ही क्षेत्र में माना गया है। संतान की जो उत्पत्ति है जल से ही होती है वहां पे। तो संभोग और ये जल प्रजनन दोनों जल संबंध है, और शुक्र का नक्षत्र भी जल से संबंध माना गया है इसका, और इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली इसको जल का देवता माना गया। बाकी देखिए ये तो वैदिक साहित्य है, तो मैं कमेंट ज्यादा नहीं करूंगा कि क्यों उसका गया गया, बट इसको प्रजनन शक्ति की वजह से ही जल का ज्यादा माना गया। और इसमें रखी सारी चीजें नर्चर जो इनमें होता है ना, जो एक क्वालिटी होती है कि नर्चर करने की इस जल की, तो सिर्फ जल नहीं है ये, बेसिकली एक मधु इसको नाम दिया गया है कि ऐसा जल जो कि अमृत के समान है, वो जनरली माना गया है। ठीक है सुनील जी, धन्यवाद। राहुल कामत, विल टेक वन और टू प्रश्न सुनील जी, अगर आपकी अनुमति होगी तो। राहुल कामत जी अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्ते सुनील शर्मा जी, प्रश्न ये है कि पूर्वाषाढ़ा की जो नक्षत्र देवता जो है वो आप जो है आपने कहा, और वो जल तत्व संबंधित है, और उत्तराषाढ़ा की जो देवता है वो विश्व देवता हम कहते हैं, प्रोसेस हैपेंड, तो विश्व देवता और आप में
भिन्नता क्या है और समानता क्या है, इसके बारे में आप थोड़ी सी क्लेरिटी देंगे तो अच्छा होगा। देखिए उत्तराषाढ़ा, पहली बात तो ये धनु से मकर में चला जाता है उत्तराषाढ़ा, ये जब हम इसको देखते हैं सब एक चरण इसका धनु राशि में पड़ता है, उसके बाद ये उत्तरा मकर राशि में चला जाता है। पहली बात सबसे फर्स्ट जो मेन वो है, क्योंकि शुक्र के तीनों नक्षत्रों की क्वालिटी है ये एक ही राशि में रहते हैं, इनकी राशि चेंज नहीं होती, जबकि उत्तराषाढ़ा जो है ये अगली राशि में परिवर्तन इसका हो जाता है, तो इसमें गुण दूसरी राशि के ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ओके, तो ये मेन जो डिफरेंस जो पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा में है। नहीं, मैं मेरा 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 सवाल जो है वो सिर्फ देवताओं के ऊपर संबंधित है, कि जो आषाढ़ जो ग्रुप है पूर्वाषाढ़ा देवता जो आपने कहा जल तत्व संबंधित है, तो इसमें भिन्नता के ये देवता सेम ही है क्या विश्व देवता? नहीं 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 नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखिए अब नक्षत्रों को जो देवताओं को निर्धारण किया गया शास्त्रों में, वो बेसिकली नक्षत्रों की क्वालिटी के साथ साथ उसके जो राशि जो पड़ती है उसके उसके बेस पे दिया गया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि आप एक से दूसरे को कनेक्टेड मानेंगे कि पहले का ये है तो दूसरे का उससे मिलता जुलता होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है कि एक देवता है तो अगले का देवता उस नक्षत्र से मिलता जुलता ही होना चाहिए, ऐसा कहीं कंडीशन कोई भी नहीं है। तो शास्त्रों में इनका किस नक्षत्र के देवता क्यों दिए गए हैं इस पे तो ये तो डिस्कशन का विषय है, किसके बारे में कमेंट करना एक थोड़ा सा हमारे देवज्ञ ऋषियों का वो हो जाएगा, बट इट इज अ मैटर ऑफ रिसर्च कि किस देवता को कहाँ पे क्यों लिया गया है, बट देयर इज नथिंग इन द शास्त्र विच डिस्क्लोज कि हाँ भाई ये देवता क्यों माने गए, बट हर देवता उस नक्षत्र के बारे में काफी डिटेल में बताता है उसकी क्वालिटी है। प्रोबेबली हमारे ऋषि मुनियों ने जो देवता निर्धारित की है उससे उस क्वालिटी उसकी क्वालिटी समझने में बड़ी हेल्प मिलती है। जैसे हम कहते हैं रोहिणी नक्षत्र है, तो रोहिणी नक्षत्र रोहन करने वाला है, काफी रोहन करता है, वो चलता है कंटिन्यूअसली। शतभिषा है, इसमें हम कहते हैं कि उन्होंने 100 ऋषि 100 इस्तेमाल की, कहने का मतलब यह है कि उस नक्षत्र का जातक उसके पास हर कार्य को करने के कम से कम 100 इलाज होते हैं, 100 तरीके होते हैं करने के। तो एक सिंबॉलिक है कि क्या हम उसको कैसे पकड़ते हैं उस नक्षत्र के देवताओं को या नक्षत्र के नाम को, या उससे हम स्टडी करके ये पता लगाते हैं वो नक्षत्र क्या कार्य कर सकता है, चाहे वो नक्षत्र का ग्रह देवता हो या नक्षत्र का देवता जो साइन किया हुआ है उसको वो हो, या उसकी राशि हो, या उसको तो चरण अगर आते हैं नमाश होते हैं, तो ये सब कलेक्टिवली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें देते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि ये नक्षत्र या ये चरण वाला या ये पद वाला इसका ये कार्य। अभी एक नक्षत्र में 4 चरण है, चारों चरण के अलग अलग थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है, मैं उतना डिटेल में नहीं गया अभी, तो हर चरण में थोड़ी थोड़ी क्वालिटी डिफरेंस है। देवता भी है तो देवता भी अगेन उसके कार्य के बारे में ज्यादा बताते हैं। करेक्ट, मतलब आप विष्णु का ही एक रूप है इसे मान सकते हैं क्या हम, क्योंकि आपके बाद विश्व देवता उसके बाद विष्णु आएगा, श्रवण नक्षत्र का जो नक्षत्र देवता विष्णु है, तो इज इट अ कंटिन्यूम ऑफ सॉर्ट्स, क्योंकि मूल में ब्लैक होल जैसे हुआ पूरा संवार हुआ और उसके बाद पूरा वापस रिफॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स हुआ एक तरीके से। तो सुनील जी राहुल जी, अनफॉर्चुनेटली मैं पार्लियामेंट से बिलोंग करता हूं और एक क्वेश्चन पे एक ही सप्लीमेंट्री अलाउड होती है, 2 नहीं अलाउड होती है। तो ये जब हम दोबारा सुनील जी को बुलाएंगे आप प्रश्न पूछिएगा, अदरवाइज ये कि एक लंबा खींचा जाएगा, डिबेट हो जाएगा। क्वेश्चन है काफी रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, आप इनसे व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे अच्छा लगेगा वहाँ। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सुनील जी, थैंक यू सो मच आपने जी। अगले वक्ता को बुलाने से पहले मैं परिचय कराने चाहूंगा वहां पर, ये हमारा सौभाग्य है नोट एप्टर का, केदार साहब के जाने के बाद एक हमारे पास वैक्यूम बहुत बड़ा हो गया था, कि उन जैसा सक्सेस वाला व्यक्ति जिसकी हमें आदत सी पड़ गई थी वो मिल नहीं पा रहा था कोई भी। तो चंद्रशेखर शर्मा साहब पेशे से इंजीनियर हैं, नागपुर में स्थित हैं, और एक ये मान लीजिए कि हम लोगों के उम्र में हमसे बड़े भी हैं, पर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी को एक सही रूप में सहेज के रखा हुआ है उन्होंने वहां पर, और बिना किसी नेम एंड फेम के, बिना किसी सेलिब्रिटी स्टेटस के पाए प्राप्त किए हुए, ये अपने स्तर पर ही लोगों को ज्ञान बांटते रहते थे, और इनका बताने का तरीका इतना सहज है कि कभी लगता है कि आप आपस में बात कर रहे हैं। तो जो एक पुरानी प्रथा है ज्योतिष की, गुरु शिष्य की चौपाल व्यवस्था, उसी के
ये मान लीजिए एक एक संरक्षक भी हैं और तजारक भी हैं, और नागपुर चैप्टर, नागपुर में सेंटर बनाने के लिए जो हमारा प्रयास है उसमें शशिकला शर्मा जी का पूरा सहयोग है, और होपफुली अगले एक डेढ़ महीने के बाद वहाँ का सेंटर चालू हो जाएगा, तो उसके संरक्षक के रूप में चंद्रशेखर शर्मा साहब भी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे वहाँ पर, और हम लोगों का सौभाग्य ऊपर देखे घड़ी के हिसाब से नहीं, लोगों ने ज्वाइन करना 3:30 बजे शुरू कर दिया था, वो तो उनकी इच्छा थी ना, हमने 4 बजे शुरू किया है। हम तो आगे थे पौने 4 बजे ड्रिंक ब्रेक जो है तभी मैं परिचय ड्रिंक ब्रेक जिसको होती है पी लेंगे हम लोग वहाँ पे, लोग वीडियो के बाद ही होगा, नहीं लोग वीडियो ब्रेक करते हैं, वीडियो ऑफ करते हैं और पता क्या क्या पीते हैं आपको भी नहीं मालूम होगा, मैं भी नहीं मालूम होगा आप पर। तो चंद्रशेखर शर्मा का सर का स्वागत भी है, और उनका सहज स्वरूप, उनका ज्ञान दोनों अतुलनीय है, और मुझे उम्मीद है कि आज के श्रोताओं को उनके ज्ञान से भी प्रभावित होंगे। जहाँ तक मुझे मालूम है चंद्रशेखर शर्मा सर उर्दू दशा के ऊपर बोल रहे हैं, विशेषत्र के साथ जुड़ी हुई दशा है, इन शब्दों के साथ मैं शर्मा सर का स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि आज अपने वक्त पर से सबको अनुग्रहित करें। शर्मा सर नमस्ते सर। ऐसा तो मेरा परम भाग्य है कि पैटर्न मेमोरियल लेक्चर में मैं कुछ बात कर सक रहा हूं, जिसके मुझे मेरी आवाज आ रही है सर आपकी आवाज आ रही है। हाँ तो शर्मा सर आपको परिचय करा देता हूँ, हमारे डॉक्टर रमेश चिंतक जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी उपस्थित हैं यहाँ पर। मैंने चिंतक जी के व्याख्यान सुने हैं सर जी, तो आप जैसा बोलते हैं म्यूट होके सुन लेना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू सर, प्लीज। तो दोनों महान गुरु थे जिनके लिए आप ये कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि गुणातीतम रूपवर्जितम बुरा होने से थोड़ा सा गड़बड़ होने लगती है। गुकारम च गुणातीतम रुकारम रूपवर्जितम गुणातीत स्वरूपम च योद्या सद्गुरु स्मृतम। तो गुरु कौन होता है? वो ज्ञान आपको जो देता है जिसको कोई फॉर्म नहीं है, जिसको कोई आकार नहीं है, इसका मतलब बुद्धि की बात चालू है यहाँ पर। और ऐसे दो जो हमारे डोयन होके गए हमारे एस्ट्रोलॉजी में, हमारे ज्योतिष शास्त्र में, उनके स्मरण के लिए आप लोग करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। तो मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर आपने मुझे इनवाइट किया। मैं जैसा कि आप बोल रहे थे बहुत ही एलिमेंट्री बातें करता हूँ, और विषय इसलिए मैंने उर्दू दशा का लिया, यहाँ पर मैं उर्दू दशा पे ज्यादा भाष्य नहीं करने वाला। सहसा क्या होता है, जैसा कि प्रदीप साहब अभी बोल रहे थे कि मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल इंसान हूँ, उम्र भी अभी काफी हो गई है, बहुत साल हो गए देखते देखते, तो काफी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं नक्षत्रों का प्रयोग नहीं करता है ना, क्योंकि मैं सहसा आपको भाव भावेश और दशाओं की उनकी स्थिति गोचर का संबंध वगैरह ऐसा करके भविष्य कथन करने की सहसा मेरी एक आदत है। तो मैं उन्हीं के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि देखो जब आप गुरु दशा का प्रयोग करते हो, जिसको हम विंशोत्तरी दशा कहते हैं या नक्षत्र दशा है दरअसल, वो विंशोत्तरी का मेरा मुझे ज्यादा उसका लगा है, उसका कारण भी मैं बताऊं, तो हम भूल जाते हैं कि उसका उगम ही नक्षत्र से होता है। चंद्र नक्षत्र में जिस नक्षत्र में है उस पर से हम उर्दू दशा कौन सी चालू होती है इसको देखते हैं। और मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूं। सर दिखाई दे रहा है ग्रह एवं नक्षत्र? हाँ, क्योंकि वो कभी कभी आगे बढ़ता नहीं है ना इसको। हाँ, तो इसके लिए क्योंकि ये नक्षत्र इसका विषय है, तो पहले तो हमें ग्रह और नक्षत्र क्या है ये समझ लेना अच्छा है। ऐसा आप लोगों को पता ही है, पर पराशर जी बोलते हैं श्रृणु विप्र प्रवक्षामि भग्रहाणाम परिस्थितिम आकाशे यानी दृश्यन्ते ज्योतिर्बिंब अनेकशः तेषु नक्षत्र संज्ञानी ग्रह संज्ञानी कानिचिन तानी नक्षत्र नामानी स्थिर स्थानानी यानी। और फिर ग्रहों की डिफिनेशन, इसका मतलब ऐसा कि जो नक्षत्र है और ग्रह है ये जो जितने भी ज्योतिर्बिंब हमको दिखते हैं मतलब चमकने वाली चीज है, इसका मतलब ग्रह आदि तारे वगैरह हमें जो आकाश में दिख रहे हैं
उसमें से कुछ नक्षत्र है और कुछ को ग्रह कहा गया। अब नक्षत्र को किसे कहना, तो जो स्थिर है, स्थिर का मतलब उनका दोनों नक्षत्रों का एक दूसरे से फासला जो है वो निश्चित है, क्योंकि सूर्य सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें कहते हैं कि ग्रह तो चलन करते ही रहते, पर नक्षत्र भी कुछ समय के बाद में, कुछ काल के बाद में, पर बहुत धीरे गति से वो चलते हैं। उसका वो समझना बहुत कठिन इसलिए नहीं है कि इसका संबंध हमारे आयनांश से आता है। पृथ्वी का जैसा अक्ष बदलते जाता है, तो नैसर्गिक हम पृथ्वी से जो देखते हैं वो हमको दूसरे नक्षत्र दिखने लगते हैं। और फिर ग्रह क्या है, गच्छन्तो भानि ग्रहणार्थी सततम येतु ते ग्रहः वचक्रस्य नगर अश्वाश अश्विन्यादि समावयः। इसका मतलब भाई जो इन नक्षत्रों को पकड़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं, भ नक्षत्र को भी कहते हैं, भ ऐसा भाव को भी कहते हैं, तो उनको हम ग्रह कहते हैं। और ये जो वचक्र है पूरा, जो झड़िया जिसको बोलते हैं, तो उसके 27 भाग करने के बाद में अश्विनी से लेके 27 नक्षत्र किए गए हैं। आगे वो और भी बोलते हैं कि द्वादश था, उसके 12 भाग भी किए और उसको राशि बोला जाता है। तो पहले हम इसे समझ, इसका अर्थ ये हो गया है कि हम जो भी ग्रहों को देखते हैं या ग्रहों के अवशों के बारे में बोलते हैं, कौन से नक्षत्र में गया है कहते हैं, तो ये नक्षत्र एक प्रकार से उसका बैकग्राउंड है। और उसके आगे, उस पर्दे के आगे हम तो ग्रह दिखते हैं, इसलिए हम कहते हैं जब ग्रह हमको जब गोचर होते हुए देखते हैं, ग्रह घूमते हुए देखते हैं, तो वो इस नक्षत्र से उस नक्षत्र में जा रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो इसके बाद में फिर ये नक्षत्र राशि ग्रह का संबंध क्या है, और राशि और भाव एक ही है ऐसा जैमिनी भी मानते हैं, और उसी प्रकार से उसारावली में हमारे कल्याण वर्मन ने भी कहा है कि ग्रह भ राशि आदि, ये इसको सिनोनिम कहा गया है उन्हें, ये समान अर्थ के शब्द है। तो इनका संबंध क्या आया, तो कहते हैं कि हिरण्यगर्भ भगवान एष छंदोसी पठ्यते आदित्यो यादि भूतत्वात् प्रसूत्या सूर्य उच्यते। ये सूर्य सिद्धांत में दिया हुआ है, आपने पढ़ा कि वह एक सोने का अड्डा हुआ, वो पहले आया, सब जितने भी हमारे तत्व है, एलिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, तो इनमें पहले आने से उसको सूर्य बोलते हैं, आदित्य बोलते हैं, और उसकी प्रसूति होकर उससे ग्रह निकले, इस वजह से उसे सूर्य कहा जाता है। तो मेरा हर वक्त आग्रह ऐसा रहता है कि जो भी शब्द का प्रयोग किया गया है हमारे ऋषि मुनियों ने, उसका अर्थ भी हम जानने की कोशिश की। ऐसा कोई सूर्य दिल में आया उसको सूर्य बोल दिया, इसको रवि बोल दिया, ऐसा ऐसा कुछ है। और ये हमको कई बार योगों के बारे में भी उसका ख्याल में आता है कि इस योग का ये अर्थ क्यों, या ये नाम क्यों दिया, नॉमेनक्लेचर क्यों दिया, तो हमें उसको देखना। मैंने इनका सबका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में दिया है फॉर दोज हु आर कंफर्टेबल विथ इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब इससे क्या हुआ, तो नक्षत्र ग्रह सोमाना प्रतिष्ठा यूनिर एवच, ये नक्षत्र ग्रह चंद्र आदि जो है, अर्थात उसमें राशियां भी है, ये सब इस योनि में, हिरण्यगर्भ में, इस अंडे में स्थापित कर दिए गए। और चंद्र रुक्ष ग्रह सर्वे विद्ने या सूर्य संभव, ये सूर्य से ही निकले ऐसा महर्षि व्यास ने, चूंकि ये नक्षत्र पे ही हमारा जो भी हम श्रद्धा से अर्पण कर रहे हैं गुरुजनों को, इसका मूल विषय नक्षत्र होने से मैं नक्षत्रों के बारे में थोड़ा बोल रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा बोलने वाला नहीं हूँ, मैं उड़ू दशा का किस प्रकार से प्रयोग करना ये भी बताऊंगा नहीं, आप सब विद्वान ज्योतिषी आपको मालूम है, परंतु उड़ू दशा में क्या होता है, हम किस प्रकार से इसका थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है, मेरे अल्प बुद्धि से मुझे जो समझ में आ रहा है वही मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो ये सब निकलते हैं सूर्य से, तो सूर्य ये एक महत्व का पॉइंट है, इसे हमको समझना है। अब ये उड़ू दशा में, उड़ू का अर्थ ही नक्षत्र होता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें मुख्य दशा विंशोत्तरी है, मैं भी विंशोत्तरी का ही प्रयोग करता हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं आजकल। मैं देख रहा हूँ कि कंडीशनल दशाओं का भी प्रयोग किया जाता है, उसमें कोई गलत नहीं है। करीबन मेरे ख्याल से 52 दशाएं पाराशर जी ने बताई है, और भी कुछ 40-42 अलग अलग प्रकार की राशि दशाएं जैमिनी ऋषि जी ने बताई है, तो हरकत कुछ नहीं है। परंतु मुझे भी ऐसा लगता है कि विंशोत्तरी महत्व की है, और उसका पाराशर में बोला गया है कि दशा बहुविधास्तातु मुख्या विंशोत्तरी मत कश्चित अष्टोत्तरी कश्चित
कथिता षोड़शोत्तरी, कुछ अष्टोत्तरी बोलते हैं, कुछ षोड़शोत्तरी बोलते हैं, परंतु मेरे मत से यानी पाराशर जी के मत से विंशोत्तरी दशा ये महत्वपूर्ण। अब ये प्रश्न हमारे दिमाग में आया कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने, कोई कारण होगा, तो वो बोलते हैं आगे विंशोत्तर शतम पूर्णम आयु पूर्व उदाहरण, पहले 120 साल की आयु थी ऐसा पहले कहा गया है, और इसलिए वो आगे बोलते हैं कि कलौ विंशोत्तरी तस्मात दशा मुख्या द्विजोत्तम। मैत्रेय जी से बोल रहे हैं उनको द्विजोत्तम बोलते हैं, क्योंकि वो भी उन्हीं के लेवल के विद्वान थे, हालांकि शिष्य थे। तो कहते हैं इसलिए कलियुग में विंशोत्तरी ही मुख्य दशा है, ऐसा मेरा कहना, ऐसा मेरा मानना है, इस प्रकार से पाराशर जी ने कहा हुआ। इसी प्रकार से मुझे ऐसा याद है कि कलौ विंशोत्तरी स्मृत करके एक गर्गव मुनि का भी एक ऐसा श्लोक है इस प्रकार का। अब इतने ग्रंथ पढ़ने के बाद भूल जाता हूँ कभी मैं गर्ग मुनि बोल रहा हूँ, मरीचि भी हो सकते हैं, पर आप लोग उसे पता कर सकते हैं। मैं इसका सिर्फ यहाँ मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ कि ये नक्षत्र दशा का मूल आधार क्या होगा, और ये नक्षत्र दशा किस प्रकार से काम करने के कारण हम कुछ न कुछ जो भविष्य कथन करते हैं उसका कोई शास्त्रीय आधार है या हम ऐसे ही करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इन सबका शास्त्रीय आधार है, इसको जिसको लॉजिक बोलते हैं या न्याय बोलते हैं संस्कृत में, वो बड़ा न्यायपूर्ण किया हुआ है। और मेरे जनरेशन के जो एस्ट्रोलॉजर्स है, जो ज्योतिषविद है, तो वो सहसा इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं। और आजकल के कई बार ज्योतिषियों को ऐसा लगता है कि ये लोग नक्षत्र का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हमारे बातों में आपको नक्षत्र का प्रयोग उच्चार बहुत कम बार आएगा। ऐसा तो मैं मजाक में कहता हूँ, 27 तक हमारे ध्यान में नहीं रहता, पर वो अपने मित्रों में बोलते वक्त बोलने की बात अलग है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हम नक्षत्र दशा का आनयन कैसा करते हैं, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं दशाएं, विंशोत्तरी दशा कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए सूर्य के नक्षत्र से यानी कृत्तिका से, जन्म नक्षत्र जिसे यानी चंद्र जिस नक्षत्र में हो जन्म के समय पे, उनके अंतर को 9 से हम भाग दे देते हैं। ये 9 इसलिए कि 9 भी ग्रहों को विंशोत्तरी दशा में जगह है। हर ग्रह का अपना अपना एक समय दिया हुआ है जिस वक्त वो ग्रह अपना प्रभाव ज्यादा डाल सकता है, जिसको मैं पीरियड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स ऐसा बोलता हूँ मैं कई बार दशाओं को। तो इसलिए उसका 9 से भाग देने का, और फिर जो नक्षत्र संख्या आती है वो जातक के जन्म समय की दशा दर्शाती है। ये उसका महत्व का भाग है। बाकी दशाओं में आप देखोगे एक या दूसरा कोई ना कोई जो हमारा ग्रह है उसका कोई प्रभाव देने वाली दशा दिखाई नहीं जाए, है ना, बाकी नक्षत्र दशाओं में। शायद ये भी कारण हो सकता है कि पाराशर जी ने उसे मुख्य दशा कही, क्योंकि 9 ग्रह है, 9 ग्रह 9 जगह, 2 ग्रह तो अर्थात छाया ग्रह है, परंतु उनका भी कुछ ना कुछ उसमें योगदान रहता है, क्योंकि वो दूसरे की शक्ति अपने पास ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से मैं राहु केतु को देखता हूँ, आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि कोई संभ्रम की स्थिति न रहे, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ छाया ग्रह, ऐसा तो वराहमिहिर जी ने भी बोला है कि वो उनको पिंड थोड़ी है, वो उनको कोई शरीर नहीं है, उनको छाया ग्रह ही कहना चाहिए, और वो सही है, क्योंकि या तो वो पृथ्वी की छाया रहती है या चंद्र की छाया रहती है, इसीलिए हम कई बार बोलते हैं कि वो इल्यूजन क्रिएटर है आदि, क्योंकि हम उसी पे कई बार खड़े रहते हैं। अब इसका संबंध क्या है, क्यों ऐसा किया हुआ है कि भाई सूर्य से, और अच्छा हमें मालूम है कि अभी तो मेष की शुरुआत, मेष राशि जो है या भटक करके हम आज जो शुरुआत देखते हैं वो अश्विनी नक्षत्र से की जाती है। उसका कारण शायद इसलिए है कि सूर्य जो है उसे हम आत्मकारक कहते हैं, उसको आत्मकारक भी कहा गया, उसको आत्माकारक भी कहा गया। सूर्य आत्मा जगस्तस्य उषश्च आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति आदि, आपको मालूम होगा दिने दिने दीर्घायु वगैरह मिलती है जो रोज उनको नमस्कार करता है, उषा को यानी अरुणोदय जब होता है उस समय को, और सूर्य को, क्योंकि वो आत्मा है जगत का, इस प्रकार से उसका वर्णन किया है। ये आत्मा भी है, ये आत्म का ज्ञान भी है, या आत्मा जो खुद को परमेश्वर से अलग समझता है, जिसको हम ईगो बोल सकते हैं, या मैं कुछ अलग हूं ये समझना जो बोल सकते हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति का व्यक्तिमत्व जब शुरू होता है
ऐसा भी लग्न भाव जो है उसका भी कारक सूर्य को कहा गया है। तो मैं उसको बुद्धि भी समझता हूँ, क्योंकि लग्न को एक नाम लग्न का धी भी है, हालांकि पंचम भाव को भी धी कहा जाए। तो ये मैं कुछ हूँ, वो नैसर्गिक है कि सूर्य है, वो अपरिवर्तनीय है, वो उसका स्वभाव का जो मूल भाव है जातक का उसी को दर्शाता है, और उसका जो खुद पर भरोसा है जिसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, आत्मविश्वास कहते हैं, वो ईगो के तरफ भी जा सकता है, तो दोनों चीजें होती है। तो ये तो सूर्य है, इसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मन का कारक चंद्र है, और इन दोनों का जो अंतर है, इसके कारण हम जन्म से, जन्म की क्या दशा है इसको जब निकाल रहे हैं, उसको नौ से भाग देने के बाद में आने वाले नक्षत्र से, उसका अर्थ है कि जातक के मन में ये जो नव ग्रह है, इन ये किसी न किसी भाव के अधिपति है, और वो कहीं ना कहीं स्थित है, फिर वो किसी न किसी के कारक भी है। तो मैं कई बार बोलता हूँ कि हमारे विद्वानों को हमको टेस्ट करने की आदत थी, तो उन्होंने काफी पैरामीटर्स डाल दिए। उसके कारण जो जो दशा आती है, जिस जिस ग्रह की दशा आती है, यहाँ जब मैं दशा बोल रहा हूँ तो कृपया आप ध्यान रखिए, कभी मराठी शब्द भी आ जाएगा तो माफ कर दीजिए, तीन चार भाषा बोलते रहने पर गड़बड़ होती रहती, आप उदाहरण दीजिए, आप माफ कर दो। तो क्योंकि मैंने अभी तेव्हा बोला तब बोलने की जगह, जो बिल्कुल मराठी शब्द है, तो उस समय में उस जातक के मन में उस भाव के संबंधित, उस कारकत्व के संबंधित क्या आ रहा है ये बताया जाता है या ये समझा जाता है, और इसको हम ये दशा आने पे इस प्रकार के प्रयोग या ऐसे आपको परिणाम मिल सकते हैं, संभाव्य परिणाम मैं बोलता हूँ, संभावना का शास्त्र ही है ये, क्योंकि एक भाव हजारों चीजें दिखा सकता है, और इसलिए कारक का महत्व आ जाता है। तो उसके मन में क्या तरंगे उठ रही है उस समय में, जब हम दशा बोलते हैं तो इसको देह दशा तक के समझिए, क्योंकि देखो 19 साल 20 साल ऐसा एक ही विचार मन में रहता नहीं, और घटनाएं भी एक ही घटना होती नहीं रहती पूरे 20 साल, ये बिल्कुल सुस्पष्ट है, उसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए वो हमको समझता है कि इसके मन में क्या आ रहा है, अच्छा इस भाव के बारे में विचार आ रहा है, ये इस भाव के बारे में इसको आनंद हो रहा है या इसको दुख हो रहा है, इसको हम फंक्शनल बेनिफिक या फंक्शनल मैलिफिक कहते हैं, तात्कालिक शुभ या अशुभ ग्रह कहते हैं। अच्छा इसमें भी हमको बड़ा मजेदार है, क्योंकि वो उसका कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाता है, जैसा धनस्थान है इसको मारक स्थान भी बोलते हैं, पर वो संपत्ति आने का या मान के वस्त्र अलंकार आने का भी स्थान है। तो इस यहाँ पर इसके क्या दिमाग में आ सकता है, इसे क्या लग रहा है जाता को, या इसको आगे जाके भविष्य में इस समय में इसके मन में क्या आते रहेगा, और इस भाव के संबंध में तो कुछ ना कुछ विचार आएंगे, ये ऋणात्मक है या धनात्मक है, इसको हम देख के उसको हम फंक्शनली मैलिफिक फंक्शनली बेनिफिक आदि कहते हैं, और फिर इसके आधार पर हम उसको होने वाली घटना का एक सूचना दे सकते हैं। इस प्रकार से इसका संबंध है। यहाँ दूसरा मैं हालांकि ऊर्दशा का संबंध है, परंतु नववर्ष का भाई मैं इसलिए इस पे उल्लेख करना चाहूंगा, क्योंकि जैसा हमारे लोगों पे, मेरे उम्र के लोगों को बोला जाता है आप नक्षत्र का प्रयोग नहीं करते, तो देखिए नववर्ष यानी कुछ नहीं है, वो भी 3 डिग्री 20 मिनट है, 3 अंश और 20 कला है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो एक नक्षत्र चरण है, आपको भी पता है। परंतु यहाँ देखिए एक फर्क है, ये सब जो नक्षत्र है इनमें कभी किसी पर राहु का अधिकार है, किसी पर केतु का अधिकार है, परंतु जब आप नवमांश में पहुंच जाते हो तो उन नक्षत्र चरणों पे छाया ग्रहों का अधिकार नहीं रहता, वो जो भी राशि है उसके अधिपति का वहां पर अधिकार रहता है। तो यहाँ पर उन्होंने और एक फाइनाइट चीज उसमें जोड़ दी है नवमांश में, और इसीलिए कई बार हम कहते हैं कि नवमांश से आने वाली शक्ति जो है, इसका जो प्रकटीकरण होता है वो राशि चक्र में होता है, और इसी कारण हम ये भी कहते हैं कि भाई नवमांश में यदि नीच हो गया है ऐसा दिख रहा है हमें, और राशि चक्र में भले ही वो उच्च का हो तो वो नीच के परिणाम देगा, इसका मतलब ग्रह की जो अंदर की शक्ति है उसके बारे में वो प्रदर्शन करता है, वहां से हम उसको देखते हैं। तो
और इसी कारण से ऐसा भी कहा जाता है कि वो ग्रह ही नहीं पर उस भाव का जो नवावशेष है उसके दशा में भी कुछ घटनाएं हो सकती है। इसके साथ में मैं मेरा मत बताता हूँ, वो भिन्न होगा क्योंकि अब इस उम्र में ऐसे हम लिबर्टी लेते रहते हैं, स्वतंत्र थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाते हैं, कि केवल दशाओं से भी काम न चलते हुए आगे में हमको फिर से ग्रहों की जो गोचर स्थिति है उस समय की, जिस भी समय का हम अंदाजा ले रहे हैं वहां गोचर का भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि हमें ये समझे कि उस भाव के बारे में कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए, जैसा गुरु है तो एक साल के लिए, शनि है तो दो ढाई साल के लिए, वो आगे पीछे भी होते रहते हैं आपको पता है, पर समझ गए। तो ये करके हम उस जगह पे आ सकते हैं, पर इसी प्रकार से नवावशेष से भी गोचर दिखा जाता है। धनेशावशे त्रिकोण है, फुटो योगम गतेशनो वगैरह, हमारे सी एस पटेल साहब ने बहुत उस पर रिसर्च किया है, वो चंद्रकला नाड़ी में दिया है। तो फिर से हम ग्रह नक्षत्र के चरण की बात कर रहे हैं, नक्षत्र चरण से भी हम गोचर देखते हैं। उसी प्रकार से किसी भाव का नवावशेष जो है उसकी दशा में भी उस भाव के जो परिणाम है वो देने की क्षमता रहती है नक्षत्र दशा में, इसे हम ध्यान रखें। और इसलिए मैंने कहा, जैसा कि मैं कोई बहुत ज्यादा आपको बताने वाला नहीं हूँ, इसका कारण कि आप सभी विद्वान ज्योतिषी है। ज्योतिष का देखिए कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों की उम्र ज्यादा हो गई, ठीक है तो हमको बहुत ज्यादा ज्ञान आ गया। देखो ज्योतिष में वही जाता है जिसको ज्ञान की लालसा है और जो उसके साथ में भिड़ा रह सकता है वर्षों से। आप देखे रहे हो, आपके जितने प्रेसिडेंट्स है, वाइस प्रेसिडेंट है, उनको पूछिए कितने साल से रहते हैं। और आप लोग जो यहाँ स्टूडेंट्स होंगे, यदि स्टूडेंट सुन रहे होंगे, तो वो भी कई दिनों से अपना कारोबार छोड़ के, अपना कारोबार करते करते ये भी करते रहते, उसको वो छोड़ नहीं सकते। तो इस प्रकार से विशोत्तरी दशा का शास्त्रीय आधार है, ऐसी मेरी संकल्पना है। मैं ये भी बोलूंगा कि ये जब हम करते हैं, क्योंकि विशोत्तरी दशा या नक्षत्र कोई भी दशा है उसका संबंध है, तो थोड़ा अभी समय दिख रहा है मुझे, तो क्योंकि समय का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए ऐसा कहते हैं। तो होता यह है कि हम तात्कालिक शुभ अशुभ में कई बार फंस जाते हैं, ये ऐसा मैंने देखा है कि भाई षष्ठेश की दशा है वो तो बुरी जाने वाली है, अष्टमेश की दशा है वो ठीक नहीं जाएगी क्योंकि त्रिक भाव है, और त्रिक भाव जो है ये सब फंक्शनल मैलिफिक कहे गए हैं। तो अच्छा, इस प्रकार का भी विचार हमको यहाँ से निकाल देना चाहिए। जब हम इतना समझ गए कि मेरे मन में क्या आ रहा है इस पर किसी भाव के बारे में, तो उसको भी हमको निकालना चाहिए। इसी वक्त शायद गोचर का प्रयोग ज्यादा संयुक्तिक होगा, क्योंकि देखिए यदि आपको कोई कोई तरुण लड़का है उसको नौकरी चाहिए, तो उस वक्त जो मुख्य दशा से फिर अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा ऐसी करती हुई जब देखी जाती है, तो जो समय में साधारण उसको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी ऐसी शंका है, उस वक्त इस जो स्तर है ये अलग अलग विंशोत्तरी दशा के, इनके किसी न किसी स्तर में षष्ठ भाव के अधिपति की दशा रहेगी, इसे कभी न भूलें, क्योंकि वो नौकरी का विभाव, वो किसी के अधीन काम करने का विभाव है ना। नवम भाव यदि प्रभु है, नवम भाव को प्रभु बोलते हैं, पिता भी बोलते हैं, राजा भी बोलते हैं, आपको सभी मालूम है, तो गुरु भी है, तो उनका दशम भाव जो है वो षष्ठ भाव है, तो इनका काम करने वाला जो है वो षष्ठ भाव से देखेंगे। इसीलिए सहसा मैं खुद कम से कम षष्ठ भाव से नौकरी होने की संभावना की तरफ ज्यादा देखता हूँ। और आप देख भी रहे होंगे कि वो अर्थ त्रिकोण का एक नवम भाव, तो उसकी कहीं ना कहीं दशा रहेगी। इसलिए प्रश्न हम जब करते हैं या हम जब सोचते हैं कि जातक को हम बता रहे हैं, तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं, उस वक्त यदि वहां शुभ दृष्टि है तो उसको नौकरी मिल जाए, है ना, ये संभावना है। और खासकर यदि वहां पर किसी शुभ ग्रह की, गुरु आदि समान अति शुभ ग्रह की अमृतमयी दृष्टि पड़ रही होगी, वो मिलने की संभावना ज्यादा है। षष्ठ भाव का
की दशा नीचे में चालू है, वही सूक्ष्म दशा में इसलिए नहीं मिलेगी, ये सोचना भी हमको कभी कभी, इसको हमको फिर से सोचना पड़ेगा। हालांकि ये आज का जो विषय है वो तो नक्षत्र भी है, परंतु आप समझ ही रहे हैं कि नक्षत्र का और दशाओं का बहुत ज्यादा गहरा संबंध है, है ना। ये सूर्य और चंद्र के अंतर से बनने वाली दशा होने से ऐसा भी कहा गया है, उसको प्रत्यक्ष शास्त्र जो हम कहते हैं ज्योतिषकों, तो वहां पर कहते हैं कि चंद्र और सूर्य के योग और वियोग से इसका इसका आधार होने की वजह से इसे प्रत्यक्ष शास्त्र कहते हैं, क्योंकि चंद्र और सूर्य हमें दिखते हैं। वही तत्व यहाँ पर भी लागू पड़ता है, विषोत्तरी दशा में ज्यादा प्रखरता से इसलिए लागू पड़ता है कि कृतिका नक्षत्र क्या हुआ है और चंद्र का नक्षत्र, बाकी जगह में अलग अलग नक्षत्र पुष्य नक्षत्र से गिनती शुरू करने की रहती वगैरह, और वो अलग विषय है, वो यहाँ का विषय नहीं है। कम से कम उस पर मुझे क्या कह सकते हैं, मुझे कोई बहुत ज्यादा महारत उसमें हासिल नहीं है। हालांकि तत्व तो सभी जगह एक ही रहेगा, परंतु सब ग्रह न होने से यहाँ पे थोड़ा हमें आसान पड़ता है, तो इसलिए मैं विषोत्तरी का उदाहरण दे रहा हूँ। पर यही तत्व सब गुरु दशा में, राशि दशा में भी ऐसा ही बताया गया है कि गोचर को देखिए। पर क्या है, आजकल वो हमारा एक शिष्य है, वो बोलता है, आप कभी कभी बोल देते हो आप पढ़ते नहीं हो, तो वो बोला हाँ पढ़ते नहीं है, पढ़ेंगे तो आपको पराशरी में भी दिखेगा लिखा हुआ स्पष्ट स्पष्ट रूप से कि इस समय में गोचर भी दशा के साथ देखना चाहिए। तो ये सिर्फ आपके विनोद के लिए बोल रहा हूँ, आपको पता ही होगा। परंतु अब ऐसा है कि हमारे प्रदीप जी ने और ब्रिगेडियर साहब ने इतनी तारीफ कर दी कि कुछ ना कुछ अलग बताना तो जरूरी है ना, इसलिए बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ऐसा कि बगैर नक्षत्र के आधार से हम यदि ऐसा सोचते हैं कि हम कर रहे हैं तो वो सत्य नहीं है। उसका आधार को हम लेते हैं, सिर्फ लेने की पद्धति अलग है। जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत लोगों ने सुना भी होगा, वो मुझे आदत हो गई है मालूम नहीं क्यों, कि ये जो ज्योतिष शास्त्र है ये एक बड़ा हाथी है और हम सब अंधे हैं, तो जिसने जिसको पकड़ लिया उसी को सही मानते हैं, उसको लगता है हम दूसरे को देखे नहीं रहे। तो इसलिए नौवांश को देखना जरूरी है, नौवांश हमको अलग ढंग से बताता है, उसके अधिपति अलग है, और क्योंकि वो नक्षत्र चरण पे पिंड होने वाले ग्रह वहां अपना काम कर रहे हैं। पिंड का मतलब जिसको फिजिकल बॉडी है वो ग्रहों का वहां संबंध आता है, जबकि नक्षत्र दशा में या पूर्व दशा में खास करके विषोत्तरी में राहु और केतु को भी एक अलग जगह दी है, जहां पर वो अपने प्रभाव आपको प्रकट कर सकते हैं, परंतु वो प्रभाव किसके प्रकट करेंगे, वो फिर से ग्रहों के करने वाले। आपको मालूम ही होगा, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है मेरे ख्याल से, दोनों में है, बृहत पराशरी में भी है और लघु पराशरी में भी है, बाकी भी जगह है, सिर्फ उसके शब्द बदलते हैं। यद्यत भाव गतो वापि यद्यत भावेश संयुतो, राहु और केतु कैसे परिणाम देते हैं अपने दशाओं में, किसके परिणाम देते हैं, तो उस ग्रह के जिसके साथ वो स्थित हो, या उस भाव के जो अधिपति है जिस भाव में ये स्थित है उसके वो। तो इसलिए मैंने इन तीनों चीजों का जो एक दूसरे से संबंध है वो बताने की कोशिश की, जहां तक कि मुझे जिस प्रकार से मैं समझा सका। तो मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको किस ढंग से बताऊं, पर मेरा अभी भी मानना ऐसा है कि विषोत्तरी दशाओं में दशानाथ जो है वो हमको हमारे दिल में कौन सी चीज आ रही है इतना ही बताता है। नीचे के हम जब उसके स्तर को जाते हैं, क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि ऐसा कहते हैं कि मारक दशा में मारक खुद अपने दशा में मृत्यु नहीं देता, वो दूसरे उससे कनेक्टेड जो अंतर दशा जो ग्रह होगा उसके अंतर दशा में देता है, ऐसा कहा गया है। मेरे ख्याल से महाभारत रत्नाकर में भी है, पराशरी में भी कहा गया है। तो इसलिए वो डिलीवरी बॉय अलग रहता है, और दशाओं का जब हम संबंध करते हैं, हम जब उसके उसका प्रयोग करना चालू करते हैं, मेरी सलाह ये होगी कि यदि वो जन्म समय ठीक है ऐसा आपको दो चार बार उसके बारे में बताने से वो जातक के करीबन वो नजदीक है ऐसा लगता हो, कम से कम सूक्ष्म दशा के स्तर तक जाना चाहिए, तभी हम सब सही समझ सकते हैं। नहीं तो बहुत बार मुझे ऐसे प्रश्न आते हैं कि भाई ये नवमाधिपति की दशा है या योगकारक की दशा है, इसमें तो मुझे फायदा नहीं हुआ। तो दो चीजें हो सकती है, एक तो आप केवल दशा देख रहे हैं, शनि वगैरह की, शनि
बुध आदि की जो दशा होगी, गुरु, ये सब 16 साल से ज्यादा दशाएं रहती, 16 साल एक ही चीज कभी नहीं होती, और इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने उन दशाओं में फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, उसमें फिर से किसी न किसी ग्रह का प्रभुत्व बताया है, और उसका जब हम प्रयोग करेंगे जैसा नक्षत्रों में किया। देखिए पूरा एक भचक्र था 360 अंशों का, पहले उसके 27 टुकड़े कर दिए, 27 टुकड़े करने के बाद में उसके 12 टुकड़े कर दिए। तो ये करने का कारण ही ऐसा है कि एक विविक्षित जगह में हम ज्यादा देख सकते हैं क्या वो देखे, और फिर जो 12 टुकड़े किए उनके फिर से 9 टुकड़े कर दिए, तो टोटल 108 हिस्से हो गए, क्योंकि हर जगह पे ग्रह अलग अलग जगह जाने के बाद में अलग अलग प्रयोग करता है, अलग अलग अपने परिणाम देता है, इसीलिए हम जन्मतः भुक्त और भोग्य दशा दिखाते हैं कितनी हो गई है और कितनी रही है ना। तो ये बिल्कुल ही एलिमेंट्री है, मुझे भी समझता है, पर क्या करूँ, अब वो आदत पड़ गई है ना एक ढंग से बात करने की, तो वो छूटेगी नहीं, छूटना भी नहीं चाहिए। तो बाय द वे, तो मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, ये हमारे नागपुर का कल्चर ऐसा है कि जो दिल में आता है वो ही बोलना चाहिए, तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि आखिरी में, और फिर आखिरी में जो डिलीवरी बॉय जिसको हम बोल सकते हैं वो गोचर है। तो ये इसीलिए ग्रह नक्षत्र और सोम की बात की गई है, हिरण्यगर्भ से क्या निकला, तो चंद्र नक्षत्र और वृक्ष यानी राशि, राशि और भाव समानार्थी जैमिनी ऋषि ने कहे हुए हैं, इसे ध्यान में रखिए, वरना हम कई बार क्या करते हैं कि राशि और भाव में फर्क करते हैं। हाँ, राशि का एक फिर से एक अलग स्वरूप है, एक विविक्षित राशि एक भाव में होने के बाद में वहां का आजकल के भाषा में उनको बोलते हैं एनवायरमेंट बदल जाता है, ठीक है, परंतु वो भाव से जो भी प्रदर्शित होता है उस भाव से जातक के मन में उस चीज के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, या वहां पर जो भी ग्रह स्थित हो या अपना प्रभाव डाल रहे हो उसके बारे में क्या दिमाग में आ रहा है वही बताया जाता है, उसको फिर हम बोलते हैं इसका मूल स्वभाव ऐसा है वैसा है। तो इस प्रकार से हमको उसे देखना चाहिए, और मुझे लगता है कि मैंने आपको आपके पेशेंस की हद टेस्ट कर ली है, तो शायद मैं यहीं विराम दूं। प्रदीप जी, आपके यार आपको पूरा हो गया है तो सब मैं फास्ट बहुत बोलता हूँ ना सर, फिर भूल जाता हूँ कि स्पीड अपनी कम कर लेना चाहिए, मैं अपने इसमें तो कई बार बोलता भी हूँ कि मुझे बता दी जाना कि आप बहुत ज्यादा फास्ट जा रहे हैं करके। मैं ये सोच रहा था सर कि क्योंकि ये हमारे पे तो बहुत बार इल्जाम होते रहता है कि आप नक्षत्रों को ध्यान में लेते नहीं हो, तो मैं इसलिए क्लियर कर, कई लोग रहेंगे ऐसे दिखेंगे आपको और हमारे जनरेशन में ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि वो दूसरे ढंग से नक्षत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उरु दशा का कारण क्या है, वो क्या बताती है, वो मेरे मन में मेरे माता के बारे में क्या विचार आएंगे इसको बता रही है, यदि वहां पर बहुत ही निगेटिव है उस दशा के वक्त, ट्रांजिट में भी उसके आयुष्य को कोई तकलीफ दे रही है, तो हो सकता है कि उनकी तबीयत खराब हो जी। कारक का महत्व इसलिए आता है कि क्यों केवल माता, चतुर्थ भाव तो वाहन भी बताता है, चतुर्थ भाव तो मकान भी बताता है, चतुर्थ भाव तो हमारे जमीन जायदाद भी बताता है, शिक्षण भी बताता है, तो इसमें से किसी, तो वहां पर हमको जब तक हम कारक का प्रयोग नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने वो लिखने में तीनों चीजों को इसलिए जोड़ा कि कई बार ऐसा हो जाता है, कोई जानबूझ के नहीं करता, जो हमारे टेक्स्ट लिखे गए हैं ऐसे ही लिखे गए हैं, आप ब्रह्म पराशरी खोलेंगे या कोई भी खोलेंगे तो आपको दिखेंगे भाई सूर्य के दशा में ऐसा ऐसा होता है, फिर ये होता है कि वो होता नहीं है, न होने के बाद में ज्योतिष को लगता है कि हमारे जो महान ऋषि है इन्होंने गलत, उन्होंने गलत नहीं लिखा, उन्होंने आपको पहले ही भावों के बारे में बता दिया है, उन्होंने बाकी भी चीजें बताई, मैं इतना ही सिर्फ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते रहता हूँ, अब क्या उम्र के हिसाब से मैं सभी को बच्चा समझता हूँ, ये मेरी बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो हमारी मिसेज बोलती है कि भाई आप ऐसा समझाते जैसे बाकी किसी को समझते ही नहीं है, मैं बोला आप क्या करेंगे उसको कुछ नहीं कर सकते राधर हम हमारे उम्र का उसको मराठी में गैर फायदा बोलते हैं ना, रॉन्ग एडवांटेज ले लेते हैं और इसमें से निकलने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए उर्दू दशा सब्जेक्ट मैंने इसीलिए लिया क्योंकि सहसा नक्षत्र दशा किस प्रकार से काम करती है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, गुरु की दशा सब अच्छा हो जाएगा वगैरह ऐसा हम बोलने लगते हैं, तो इसलिए उनका
तात्कालिक शुभत्व अशुभत्व को भी ध्यान में आना चाहिए, इतना ही मैंने कहने की कोशिश की। धन्यवाद धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको जाना भी है, एक का सर नहीं, ऐसे कुछ नहीं, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो क्वेश्चन को तो उत्तर देने, मुझे जाना नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने सोचा कि ये विषय पूर्ण हो गया है तो प्रश्न प्रश्नकर्ता भी बड़ा हाँ बिल्कुल जटिल व्यक्ति हैं, बगैर सवाल भी प्रश्न पूछ रहे हैं आप। नहीं, वो उनके वजह से हम डिसिप्लिन में रहते हैं ना सर, वही प्रश्न पूछ रहे हैं सर। बगैर साहब, हाँ सर, मैंने देखा। बगैर साहब पूछिए। हाँ सर, अनम्यूट करें। हाँ, यह बहुत मुश्किल है सर, टेक्नोलॉजी और मी दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं। नहीं, वो ऐसा होता है सर, मैं भी कई बार गड़बड़ कर देता हूं। सर, मेरा प्रश्न जो सा है वो थोड़ा सा है अटपटा, असल में मेरी कम बुद्धि का था। नहीं नहीं, कोई प्रश्न अटपटा नहीं रहता, उत्तर देने वाले को उत्तर नहीं आया तो वो बोलता है अटपटा, क्योंकि मैं तो इतना जानता नहीं हूँ। पर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ सर की जब हम नक्षत्र दशा की बात करते हैं जी सर, तो किसी भी प्लैनेट्स के को मेल बेस बना के उसकी दशाएं देखते हैं जी। तो उदाहरण के तौर पर जैसे अभी सुनील जी ने बताया था कि वीनस की दशा चल रही है, तो वीनस के है तो नक्षत्र तीन, और तीनों का प्रभाव अलग अलग किस्म से होता है बिल्कुल, तो उसकी दशा के अंदर हम उन नक्षत्रों को किस तरीके से इनपुट करते हैं, जैसा मैं बोल रहा था, मेरे को काफी परेशान करता रहता है। क्योंकि मैंने एक बार पहले कपूर सर से कभी डिस्कस किया था, गॉड ब्लेस हिज सोल, तो उसके अंदर यानी उन्होंने जो आंसर दिया वो मेरे से बहुत ऊपर था, तो वो नैसर्गिक के साथ उसका कितने साल के बिल्कुल वो इतना ज्यादा ऊपर से निकल गया कि मैं तो देख ही नहीं पाया उसको क्या नहीं सर, परंतु मैंने उसके ऊपर थोड़ा बहुत मनन किया तो उनका ये राय जरूर था कि यस, इन तीनों नक्षत्रों को देखा जाता है, और उन्होंने बोला था कि पूरे दशा पीरियड को तीन हिस्सों में बांटो, और आगे पता नहीं कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करना है उसके बारे में क्या समझाया, मुझे समझ नहीं आया जी। जब ये प्रश्न पूछा था मैं उसके बिल्कुल ही नहीं जानता था, अब तो और भी कम हो गया है। हाँ जी इसको हम क्या कह सकते हैं, ह्यूमिलिटी कह सकते हैं। तो सर एनीवे, मैं जो सोचता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम जब मैं खासकर विश्वोत्तर की इसलिए बात करता हूँ, सभी को कोई अप्लीकेबल है, हम चंद्र का नक्षत्र से गुजरना देख के ही जन्मतः दशा कितनी रही होगी ये देखते हैं, है ना सर। तो इस वजह से, और ये वर्षों में है, तो समझो चंद्र तीसरे नक्षत्र में होगा उसके खुद के, तो आगे के ग्रहों की भी दशा उस प्रकार की ही रहने वाली, क्योंकि वो 9-9 का हिसाब है, 9 से हम डिवाइड करते हैं। तो ये यदि अपने तीसरे नक्षत्र में होगा तो नैसर्गिक है, जब वो शुक्र दशा बोल रहे हैं वो शुक्र के तीसरे नक्षत्र में रहने के बारे में बोल रहे हैं कि उसके कारण उसकी क्या, वो इंडिविजुअल ग्रहों के बारे में इसलिए नहीं बोल रहे कि हमारा मन जो है वो फिक्स हो गया है चंद्र से और ये हमारा स्वभाव बन गया है, है ना, और हमारे स्वभाव के हम क्या उसको रिएक्ट करेंगे, कब हमारा स्वभाव हमारे बुद्धि पे हावी हो जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने कम से कम मैं जैसा सोचता हूँ कि सूर्य जो है वो लग्न भाव का कारक भी है तो वो धी भी है, ऐसा भी सूर्य को ज्ञान देने वाला ही कहा गया है, हनुमान जी ने सूर्य से वेद सीखे वगैरह ऐसी कथाएं हैं, तो वो ज्ञानवर्धक है। तो चंद्र क्या करता है कि हम कितने भी ज्ञानी होंगे उस वक्त हमारा दिमाग गड़बड़ कर सकता है, ये चंद्र की शक्ति है। तो इसलिए उसके समझो वो तीसरे नक्षत्र में होगा तो नैसर्गिक वो भी तीसरे नक्षत्र की बात करती, इस आदमी के लिए इस प्रकार का क्या कह सकते हैं, इस प्रकार का प्रभाव ये ग्रह करेगा, जैसे कुछ एज इफ ही इज इन दैट थर्ड ट्रायड ऑफ नक्षत्र, इस प्रकार से मुझे लगता है कि उन्होंने कहा है। और इसीलिए सबको जैसा बोलते हैं शुक्र की दशा है शादी हो जाए, सबकी नहीं होती है ना, तो होगी भी नहीं वो, हालांकि वो दारा कारक जरूर है, वो कर सकता है नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, परंतु तो केवल शुक्र की दशा है तो 20 साल तो शादी किसी की हो नहीं सकती, और आजकल के जमाने में तो नहीं, पहले राजा महाराजा की होती भी होगी, वो हरम रखते थे लंबा चौड़ा, होती होगी परंतु अभी नहीं होती, काल पात्र से हुई तो हम जेल में पड़ जाएंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो
वहां से वो उसका हम क्या कहते हैं सर, वो जीरो एरर हम करते ना, जब पुराना जो वेइंग मशीन था हम लोगों के जमाने में वो स्प्रिंग वाला, तो उसको जीरो एरर हमको सेट करना पड़ता था। तो वो जीरो एरर उन्होंने शायद चंद्र का नक्षत्र से प्रवास होने पे कितने डिग्री चला गया है उसके ऊपर इस हिस्से को काट दिया, और आगे में उसी प्रमाण में बाकी ग्रहों का प्रभाव होगा, इस प्रकार से वो सोचते होंगे ऐसा। इसका ये जो मैं बोल रहा हूँ ये थियोराइजिंग है, ऐसा भी मैं थियोराइजिंग करते रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा सही होगा। आज के आखिरी वक्ता हमारे श्री विश्वनाथ होला जी हैं, इस समय रजिस्ट्रार सीओई के कार्यभार को देख रहे हैं। और विश्वनाथ जी जैसा नाम उनका है, बड़ा शांत स्वभाव के, और आईकास के आईटी आईसीटी की प्रगति में बहुत बड़ा हाथ है इनका, और कहीं ना कहीं से ये कुछ ना कुछ नया प्रयास करते रहते हैं। कई जगह पे बोले हैं पर हमारी पकड़ में पहले नहीं आए थे, सौम्य कुमार की तरह कल आज ये भी हमारी पकड़ में आए हैं इस बार। तो सर उम्मीद करते हैं कि आज ही नहीं आने वाले दिनों में भी जब जब मौका मिलेगा तो हम आपको पकड़ते रहेंगे और आपसे आपकी बातों को सुनते रहेंगे। ये नक्षत्रों के सीक्रेट्स के ऊपर अपने प्रकाश डालेंगे और नक्षत्रों के आधार पर अपनी चीजों को बताएंगे। विश्वनाथ होला जी, ओपन टू यू। टॉपिक भी इतना ही सीक्रेट रखा जितना सीक्रेट आप जाएंगे। जी गुड इवनिंग एवरीबडी, होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। यस विश्वनाथ जी आर ऑडिबल टू। ओके थैंक यू वेरी मच। ओनली रिक्वेस्ट इज दैट आई थिंक यू नो अ बिट ऑफ हिंदी आल्सो, इफ यू कैन हैव अ एडमिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, नॉट नीडेड टू ट्रांसलेट बोथ द थिंग्स, बट यू कैन हैव एडमिक्सचर, सो ऑल द ऑडियंस कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। थैंक यू। सो या आई विल डू दैट, आई विल ट्राई टू डू दैट। If I by mistake, you know, use a wrong word or no inappropriate usage of the word, so do not take otherwise, because I am from southern belt of India, mere Hindi thoda no kamzor hai, so that I can, you know, I want to put it up in the first so that I can set the expectation. Okay. So my pranam to all gurus who are present over here. Firstly, you know, to Honorary National President Shuklaji, Honorary Vice President, National Vice President Narasimha Alseji, who introduced me to astrology. Pranam to Gayatri Devi Vasudev, who kept inspiring us through her accurate prediction, which always, you know, reminds us our goal, so where we should stand in the days to come. All the team of hosts, Pradeep ji, no, Brigadier sir, and all your team members, and all national officers, astrological savants, and colleagues, and you know, all the all the students of ICAS. It gives me immense pleasure to present this paper in front of all of you. Ladies and gentlemen, I am Vishwanath Holla, a humble member of ICAS family. So in any field, if someone is performing very, very well, so we call them as a star performer. It could be in the field of cricket, in sports, or movie, Bollywood, or anywhere, no? So he will be called star performer. If a batsman shines, if he performs very, very well in batting, he will be called star batsman. So if somebody accomplishes a very high degree of attainment in the
in acting, performing, or any other field, they will be given some sort of a stardom. So, what is this star? From where this star has come? So, this shows the importance of nakshatra that has been imbibed in our in the fabric of our society. So, this is the indication that, the prominence we give to nakshatras. Yes, now when I say stardom, I would like to, spend some time on this stardom itself, without deviating from it. If somebody, becomes very famous in a movie, so they will be called superstars or megastars. So we use that terminology, right? Of course, if you see Bollywood, SRK or Shah Rukh Khan, he is considered to be a superstar. No one can dispute. Yes, he has put a lot of effort and he got a lot of success. So he is not just a star, he is a superstar or megastar. In our language of the astrologers, we call it as Mahanakshatras, right? We call it as Mahanakshatras, okay? In that field, so we call them as Mahanakshatras. Now, from Bollywood Mahanakshatras, I will switch into the Aikas Mahanakshatras, okay? There are many Mahanakshatras, of course. But definitely two of them are Sir MNK and Sir SNK. So MNK Dar or MNK, we shortly call him. So he is undisputedly a Mahanakshatra of Aikas. And another Mahanakshatra of Aikas is SNK or Justice Kapoorji. So these two eminent personalities of astrology may not be there with us today, but I meet them very often when I read their books. So I feel like, as if I am, talking to them. So that is the, level of accomplishment they have attained in the field of astrology. That is, therefore, they are really a Mahanakshatras of Aikas. Their accomplishment in astrology has produced a different yoga for all of us. The yoga of meeting all of you and on this August forum and churning our knowledge of astrology with you all. So that's the greatest yoga they have produced because of their effort and accomplishment in astrology. So from this I believe so these two megastars will always bless us. And we prosper in the journey of path of learning astrology. So every day we learn some new things. So whatever we learned, we share among all of us. That is what they have done in the past. We will emulate their way of walk of life, and we will try to impart the knowledge whatever we learn and whatever we gain. So today's, I am coming to the today's, topic of the nakshatra. The organizers told me that the theme of the session would be on nakshatras. I am supposed to speak on nakshatras. So then I was just, wondering, what should I talk, But I just thought, maybe I will pick up some clues of nakshatras. So, and then I should discuss with all of you. So, there are some, secrets which I culled out from the classicals and that I am going to present with you. As, I started preparing, it was a sun nakshatra on that day. So, my Mercury is very always it's a favorable Mercury, so
it has an impact on that day. So, and coincidentally, our Brigadier Saab called and he told me I am going to prepone by 1 week. So the Mercury always, played a very upper hand in my all through the life. He always gives the things in advance. So he always, prepones. I have seen many a times it gets preponed rather than postponing. So today's nakshatra, I was my throat was very bad yesterday and day before yesterday. So if the situation would have continued, then even the secret of this topic also would have remained secret. You will have to bear with me for my if I am feeble in if I am not audible. Each nakshatra has 4 padas. We all know it's a very fundamental thing. Even my presentation has 4 padas or 4 charanas. Okay, so organizers have given me 40 minutes of time for presenting my paper. So I am going to allocate for each pada 10 minutes. My presentation would be around 40 minutes. Maybe some discussion that will follow. So with that background, now I will enter the first pada or charana of my presentation. So here, in this first pada, I will cover some importance of nakshatras, some part of the importance of nakshatra. I will talk about some fundamentals and then we move on. So why nakshatra is so important in astrology? Why is given so much importance in astrology, compared to all other elements, all other constituents? Actually, what Padma Purana says, runanubandana rupena pashupatni suta alayaha, runakshaye chayayanti tatra paridevana. Every relationship is a result of our previous birth bondage. That's a karmic baggage. Once this entire debt is annihilated, then there is no relationship and there is no sufferings of this samsara. So it ends there, it stops there. That means he will attain moksha. So this karmic baggage, this is karma theory that holds a fundamental of our astrology. It has a very great connection with even the nakshatras. Whenever you go to the temple, there you are all asked with the when you perform a puja, the person who performs the puja will ask you for the nakshatra. So this is for doing a sankalpa. Have you ever thought about why they ask this nakshatra? So have you ever thought? So that is that gives the clue for the importance of nakshatra. The Panchanga Shravana Mantra gives a clue for why the nakshatra is used for the sankalpa. The Panchanga Shravana Mantra goes like this. Titesha Shriyam Apnoti Varat Ayushyam Vardhanam Nakshatra Harate Papam Yogat Roga Nivaranam Karanat Karya Siddhescha. So Panchanga Patana Patana Phalam, it goes on like this. So knowing Titi, it brings prosperity. Knowing Vara, it increases the lifespan. Knowing the Nakshatra destroys all our sins. Knowing yoga cure all our diseases. Knowing karana brings success in our work. Main ye tithi janne se hamara shreyas hota hai. Vara hamara aayush ko badhata hai. Nakshatra hamara paap ko paap ki jo karmic baggage hai usko kam karta hai. Aur yoga
हमारा जो बीमारी है उसको उस, उसका उसको उसका क्यू देता है, और ऐसा ही करण हमें यू नो यशस्वी इन अवर हमारी जो कर्म है उसमें यशस देता है. सो द दिस वन ऑफ द प्रायश्चित टू क्लेंज अवर कार्मिक बैगेज ऑफ द पास्ट जन्मास इज डूइंग ए पूजा. दैट इज वाई संकल्प इज यू नो वाइल डूइंग द संकल्प वेन यू ऑफर ए पूजा सो दे विल यू नो आस्क यूर जन्म नक्षत्र एंड द संकल्प इज मेड ऑन यूर जन्म नक्षत्र. इट इज योर आइडेंटिटी इज नो टोल्ड सो द इन सो एंड सो नक्षत्र somebody has born and you know he is doing this puja for his you know betterment. If you go to the elements of the nakshatras, what you see here is the ruling planet of the element of the nakshatra of the panchanga is Saturn. So Saturn is you know directly you know he is a karmic planet who controls all karmic events of our life. As I told, sankalpa is made to cleanse the past karma of by performing a puja, coating our identity with the nakshatra. So understanding of the nakshatra is so important from that perspective. So with that background, I will move on to the importance of nakshatras. Further, you know, how important it is. Let us go to the next step. We all teach in Jyotish Praveename. Teach classification of rashis. These rashis are classified into four types. It is dharma, artha, kama, moksha. ये rashis जो हैं उसका चार category होता है. वो हमने यू नो धर्म अर्थ काम मोक्ष राशि को हम बताते हैं. हिंदू फिलोसफी एडवोकेट्स एवरी पर्सन हु बॉर्न हैज दिस यू नो फोर गोल्स विच ही नीड्स टू नो फुलफिल टू लीड अ हैप्पी लाइफ. एंड आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द ग्रेटर डिटेल्स अबाउट दिस फिलोसफी. माय पॉइंट इज what is the basis of this classification of rashis, how this classification is derived. So mera koshish ye nahi ki hum zyada philosophy ke andar ghus jaye. So mera koshish ye rahega ki ye jo rashis classification humne jo vibhag kiya hai dharma artha kama moksha इसका उसका बेसिस क्या है उसको देखना है. सो इसका आंसर नक्षत्र में मिलता है हमें. सो वी गेट दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द नक्षत्र. सो आप नो वी ऑल नो दैट नो देर आर फोर पादास इन ईच नक्षत्र. And each pada is assigned with a specific element. The first pada is, you know, assigned with the dharma. Second pada is assigned with the artha. Third pada is, you know, assigned with the kama. The last pada is, you know, assigned with the moksha. Dharma, artha, kama, moksha. In the similar order, all subsequent nakshatras are, you know, follows the same order. Dharma, artha, kama, moksha. Each nakshatra. First pada is the dharma. Second pada is the artha, kama, moksha. So like this, all 108 padas of the nakshatra zodiac, element, zodiac, all the 108 padas of nakshatras are allotted with the one of the element. So let us take an example to explain this proposition. मैं एक उदाहरण के साथ आपको आपको पेश करता हूँ. I take the example of Ashwini.
Ashwini Nakshatra, first pada is, you know, as you know, if you see, as you see in the screen, the first pada is, you know, assigned with the dharma element. The second pada is, you know, assigned with artha element. Third part is third pada is assigned with the kama element. So fourth pada is with the moksha element. So this is the first thing whatever we have discussed in the previous slide. The same way, the next nakshatra, each pada of the Bharani is assigned. So first pada is dharma, second pada is artha, third pada is kama, fourth pada is, you know, moksha. So with that, we have completed the eight padas of the two nakshatras. We have one nakshatra pada of Krutika, and all these, you know, all the other three falls in the next rashi. So then we will pick up only one pada of this rashi for the time being. So when the first pada of the Krutika nakshatra is, you know, assigned with dharma element. So what happens when you see this allocation? The first pada is dharma, which repeats three times, and all other elements of other padas repeats only two times, like artha two times, kama two times, moksha two times. So the predominant element of this rashi through the nakshatra pada is dharma. So that is why this rashi is called dharma rashi. The rule is, for any rashi, the first pada of the element that assigned to first pada of the rashi, first pada of the nakshatra of the that particular rashi, determines the category of that rashi. So since, you know, it has repeated three times, which is a predominant, Aries or Mesha is called dharma rashi. Similarly, the second rashi starts with the starts with the artha, so it ends with artha, because, you know, three times it repeats. So any rashi starting the with the first pada, that element, you know, repeats three times, so that, you know, that will be the prominent element of that rashi. So that becomes artha, kama, moksha. Like this, all other, you know, rashis follows. So this this is the logic behind classification of rashis. So the nakshatra, the point what I want to highlight over here is, the nakshatra is, you know, plays a very important role in even, you know, determining the classification of the rashi. This explanation was given by Sri Jairam, our former honorary national vice president, while discussing in the national faculty forum. He has, you know, given this clarification. I would like to give credit to him. Now, so I will, you know, slightly move forward. Extending the same classification, it is on dharma, artha, moksha, kama. The position of the planets in the category of nakshatra pada in a horoscope indicates the personality of a person. Assume the planets, majority of the planets, they are sitting in the dharma padas. So that person will be a dharmic person. Majority of the planets, when if they are posited in artha padas, so that person will be interested in accumulation of wealth. If majority of the planet, if they occupy kama padas, he will have a high material pursuit. The majority of the planet, if they occupy
the last pada, that is the moksha pada, that person will be spiritual in nature, or he will try to go after moksha. So let me demonstrate this with the example of Pujya Ramana Maharshi. This is a horoscope. I'm not going to demonstrate the horoscope, but the position of the Lagna and all other planets are, you know, in the each nakshatra pada is, you know, displayed over here. If you observe closely, the moksha padas are, you know, 1, 2, 3, 4, 5. 5 moksha padas, and one is in the dharma pada. That to Saturn in the dharma. So that indicates the personality of Pujya Ramana Maharshi. Now with that, I will come to the next point. The results of the planet. A planet gives different result when it is posited in different padas of the same nakshatra. For example, a planet when it is posited in the first pada of a nakshatra, he gives one result. When he posited in the second pada of the nakshatra, he gives another result. When he is posited in the third part of the nakshatra, he gives another result. And when he is in the fourth part, he gives a different result. At times it may so happen that, you know, a planet giving a result in one particular position, when it, you know, moves to another pada of the same nakshatra, it can give exactly opposite, you know, result as well. So that we should keep in mind. Imagine we have so much possibilities, you know, combinations. One planet can give 108 types of results when it is posited in 108 padas of the nakshatra. There are total 9 types of nakshatras. It can give possibly 972 types of the results. So if you move on further, these, you know, one planet can be aspected by another 8 planets, 8 grahas. This combination will go to 7,776 types of results. So it is totally a very huge, you know, subject on which, you know, Aika should, you know, seriously think of starting a new course on it. I think, you know, that makes a lot of sense. So what I am trying to emphasize over here is, the deeper understanding of the nakshatras will equip us to give more accurate predictions. The quality of prediction will undergo substantial change when you get into deeper understanding of the nakshatras. So with that, I concluded my first pada of the my presentation today. I am moving on to the second pada, or second charana of the my presentation. In this present pada, I am going to cover some basic principles. So in the first pada, I have covered more importance. Now I am going to cover some basic principles. So Sankhya Patanjali system mentions that a planet acquires certain gunas when they are posited in a nakshatra. It means each nakshatra will transfer certain quality to the planet when it is posited in its nakshatra. So these gunas are trigunas. So sattvic, sattva, sattvic, rajo, rajasic, tamo, tamasic. So all these nakshatras are classified into 3 categories based on these, you know, nakshatra, based on their gunas. Normally, these gunas, all the 3 gunas are present with us. But
the nakshatra, the guna which, you know, prominent within us, that will indicate the personality of us. Assume if I have a very high rajasic guna, and at that time rajasic qualities are, you know, indicated in me, satvic and, you know, tamasic will become latent. The other gunas becomes latent. So how to find the type of guna a person possesses for a particular native, how to find it out? The classification of the nakshatra gives the clues. So if someone is born in, say, Punarvasu nakshatra, or, you know, any satvic nakshatra for that matter, their personality reflects satvic qualities. If someone is, you know, born in rajasic nakshatras, rajasic category of nakshatras, their personality predominantly, you know, reflects rajasic gunas. So if someone is born in tamasic category of nakshatras, they will inherit the tamasic gunas. So the satvic group of nakshatra, it always induces the satvic qualities to the native. The native born in this group will have a purity of thought, clarity of thought, purity of mind, purity of thought. They are very methodological. They are very hardworking. They work without any expectation. So they do, they are the type of a personality where, you know, the deed and creed matches. They walk the way they talk. So they may look very harsh on the outset, but the inner quality of theirs is, they are very good at their heart. So that is inner quality of such personalities. So these kind of a people achieve success in sports, painting, crafts. There are a lot of amount of energy that goes here, but they may not get the recognition proportion to the effort they put. The rajasic quality, it induces the restlessness in an individual. So these people will be multitasking personalities. They will engage with too many things at a time. So they keep themselves busy. The focus of the native is to material success, especially the money and property. So the tamasic group of nakshatra, the quality of these people are, they show a tendency of resistance. So always they, you know, jump into the, stop. So always, you know, they have a tendency to think a reverse way. So if something is proposed, they will start opposing. So they get into the resistance mode. The quality of this native leads to a lot of friction within the family or outside the family, within the society. But they are not, don't think they are bad people. These people possess abundant, you know, positive internal energy. But when it comes out, that turns out to be a negative, it reflects a very negative, ideas and thoughts. So this is the qualities of these, trigunas of the nakshatra. But what I want to highlight over here is, for a material success, role of the rajasic nakshatra is very, very vital. And again, the role of the rajasic planet, sitting in the rajasic nakshatra, so they brings the material success to the native. This is something we should keep in mind. The third pada. So with that, I am concluding the second pada. So I am coming to the third pada. So here I am going to deal with some predictive clues, which may be of use to you all. Here I will start with Ashwini nakshatra. So because that is the nakshatra which all of you familiar and easy to correlate and connect. The sun and Ashwini nakshatra. So this is the Rashi where sun attains the exaltation. This is the nakshatra where he attains the exaltation. Ashwini devatas are
very well known for you know, medicine, healing power, everything. Ashwini Devas are deities of these nakshatras. So people born in these nakshatras are very, you know, good go-getters. They have a knack of quietly getting the things done. So one of the flip side of this, you know, Ashwini Nakshatra natives is their stubbornness in the decisions. Once they take a decision, they don't want to change their decision until they accomplish their results. So they always be, you know, holding on to their result. They don't, you know, give flexibility. But don't think it is their, you know, weakness. It is their, you know, nature. So it is a unique design of the nature. So such a quality is also required. At times, you know, such rigidity also required. But the point what I am trying to highlight over here is the quality of Ashwini Nakshatra, it has a direct relation, a correlation with the position of the sun. So what I am trying to highlight over here is stubbornness has a direct correlation to sun. Even Yama, it is said, even Yama cannot reduce their stubbornness. He cannot change their stubbornness. The sun carries the power of Ketu in this nakshatra. Sun himself is a representation of the ego. And the Rashi lord of this nakshatra is Mars. So he is he represents the false ego. So the definitely, you know, the rigidity comes to these people. High level of stubbornness that comes. One of the points I wanted to highlight over here is a high level of stubbornness is witnessed with the native who are born during the sun reaches his exaltation points. In around the exaltation points, the people are so rigid. The similar pattern is observed. The stubbornness, similar level of stubbornness, predominant stubbornness is allowed. Observed with the people natives who are born in the time when sun reaches the debilitation point in the Tula Rashi. So when sun becomes Nicha, so this similar pattern is observed. Normally, people born in other months, the level of rigidity is less compared to the level of rigidity the people born in the point of peak or Uccha or Nicha point of the sun. This is something we should always keep that in mind. So sun sometime pauses giving his result. Not many times. It happens once in the entire zodiac circle. So sun, when he reaches close to his exaltation point, he immediately intermittently pauses the pauses giving the result. So we all know it is something like Ashwini. Ashwini is a face of the horse. So it is just like a horse riding, or you can say the sun. He moves all around the zodiac, and when he reaches the his exaltation point, it is just like his palace. He want to get down from the horse and enter into the house. So at that time, definitely the vehicle, whatever he is moving, that stops. And he want to relax for some time before he assumes the exaltation position. So the sun passes his result in the previous pada of his exaltation position. So he exalts a 10 degree. So the previous pada is, it should be second pada of the this one. The previous pada of the exaltation, he passes. His giving the result. Normally, the transit result of the sun is not visible when sun is in this point, this pada.
the same thing happens with the people born in this pada. What happens is, you know, the sun is in exaltation rashi, but they may not derive the benefit of it. Then I will come to the fourth pada of the Ashwini. The female born in Ashwini nakshatra, the fourth pada, if they are employed, so they look for a early retirement. This is something which is very commonly observed. So the natives of Ashwini nakshatra, the lagna lord is Mars. The people natives of the Janma Rashi lord is Mars. He is exalted in the 10th house. They get a very high career advancement, but it comes at the expense of the 4th house. At the time of building the career, they sacrifice the all 4th house related duties. They reach the success at a very early age, but when they stop at some point, when they reach the peak of the career at a very early age, when they reach the peak, they immediately turn back and realize, I have neglected my 4th house related issues. I need to take care of that now. So they normally tend to take in voluntary retirement, or they may resign from the job, or they may discontinue from the profession that they are holding. So there has been a discussion on dasha results just prior to my presentation. So I think it's a coincidence that I have some clues about that dasha results as well. So you may observe sometime the native may not experience the expected results of the dasha period. He may be experiencing some totally different dasha period results, maybe pertain to some different planet. It happens many a cases. I have seen that. So let me share you one clue to understand this phenomenon. So any planet gives his result of dasha proportionate to period corresponding to his position in the nakshatra. Any planet gives his result of the dasha period proportionate to period corresponding to his position in the nakshatra. Let me give you one example to explain this principle. So let me take Guru. Let me take Jupiter posited in Pushya nakshatra. Jupiter in Pushya nakshatra. So the lord of the nakshatra is Saturn. And Jupiter is posited, assume, in the second pada of that nakshatra. So Jupiter period is 16 years. Dasha period is 16 years. So we need to divide these entire 16 years into four parts, because for each pada, we will allocate the certain number of years. Then if we divide it into four parts, the 16 years, it comes 4 years. For each part, it comes to each pada, it comes to 4 years. Assume the in the example what we have taken, Jupiter is in the second pada of the Pushya nakshatra. So Jupiter in this second pada gives his own dasha period result for first 8 years. That is counted from the beginning of the nakshatra till the point where he which pada he is posited. Then he will start giving the dasha result of the nakshatra lord. So that is of the Saturn result. He assumes himself to be a Saturn, and he will try to give the dasha result of the Saturn. So this is where we find a lot of difficulty in the dasha result tracking. So the next 8 years of the dasha period,
the native will experience the result of the Saturn. So with that, I concluded the third pada of the my presentation. I am entering into the fourth pada of my presentation. So in this pada, I will cover some of the exceptions. Some of the exceptions. All, you know, there are no general rules, but you know, there are some exceptions. So in this pada, I will cover those exceptions. The first exception is Ashwini Nakshatra born natives. So the expectation is the normal thumb rule is, you know, generally the belief is the native born in Ashwini Nakshatra enjoys a very good health. So since Ashwini Devatas are assigned with the responsibility of cure the diseases, a native born in this nakshatra is best, bestowed with the good health. So he is blessed with the good health. But there are certain exceptions to this rule. A native born between 2 degree to 3 degree of the Ashwini Nakshatra, they are exception to this rule. So their way of, you know, negative thinking and adamant nature brings the, you know, push them to sickness. So this natives born between these, you know, range, they do not experience the good health. So that is an exception to this rule. Next is, so it is Mars, he can overpower Sun's influence. It is common rule that aspect of a debilitated malefic planet shall not, you know, produce a good result. Any aspect of the malefic, because, you know, Sun in this case, Mars in posited in the Ashwini Nakshatra, third pada, if he is aspected by debilitated Sun, the native will get a better prospect. So it is contrary to the general belief. Normally, the Sun is the king of the planetary cabinet. He is a malefic. He is a mild malefic. So what I mean to say is, this planet is by nature not a, you know, troublemaking, you know, or a malefic nature, but his heat, the heat of the Sun burns the, it is so strong that any planet that comes under the influence of Sun, they lose the effectiveness. So that is why Sun is considered to be a mild malefic. So Mars is another fiery planet, but he is subordinate to the Sun. So he is a commander in chief. Sun is capable of, you know, even controlling the Mars. So imagine a situation where Mars is posited in third pada, and if it is aspected by debilitated Sun. So what happens? This is a situation where two mutual aspect of malefic planets, that is Sun and Mars. Going with the regular aspect, the native should experience a very, you know, tough time, hardships in these cases. But the exception works. The malefic aspect of the Sun is completely destroyed by the aspect of the Mars. The principle is Ushnam Ushnena Samyate. That means heat destroys the heat. That comes into play in this, you know, position. Mars, a natural malefic placed in Ashwini Nakshatra, attains more power than any other, you know, malefic planet aspecting him. So that is the one clue we should keep in mind. Aspect of the debilitated, I think there is a typo error in the title. Aspect of a debilitated Sun on the Rahu. The Grahanagrastha Surya. So he is going to
aspect the Rahu. So the native normally should face the trouble because, you know, he is with the Ketu. That is the thumb rule. So, but what happens if the Rahu is posited in fourth pada of the Ashwini, assume. So, then that aspect of the sun from his debilitation point turns out to be very fortunate for the native. So, when such aspect, with that aspect, the native becomes very responsible and discharges his duties with utmost care. He can become a great manager and he can shine in the any profession that he undertakes. Normally, this I have seen a lot of people with the people in the corporate world. With this combination, they have shined. They outperformed others, their peers. So we should. Another thing, feature of this situation is the native always gets someone to rescue him from bad times. So he will get somebody, some help he will get from others. Now I am going to discuss, we have covered an example of I covered hardly maybe a few 1% of the Ashwini nakshatra in this entire session. Let us examine a combination where black money gets generated. So this is little interesting. If Venus is posited in Bharani and aspected by Saturn, the native will have a lot of black money. So let us examine this case. When we speak about the money, let us understand the karakatvas of the money. Moon is the karaka for daily cash. Venus is the karaka for regular cash. Jupiter is the karaka for finance and financial assets. Saturn is also a karaka for concealed items, hidden items and all. In Tamil literature, I am not a Tamilian, by the way, but in Tamil literature, Saturn is called Meena, which means a black star. So, he is given this title mainly because the Saturn, when it comes into contact with anything, that can turn into black. So, that capability he possesses. So, again, here, Saturn and Venus are mutual friends. We all know that. Saturn, Venus are mutual yoga karaka planets for their respective rashis. Again, for Venus rashi, mutual yoga karakas, for Venus rashi, Saturn is the yoga karaka. For the Saturn rashi, Venus is the yoga karaka. So when Venus is posited in his own nakshatra of the Bharani, the Saturn aspecting him, see all the aspects. When he aspects, so the it's a very friendly aspect. From the if he is aspecting from the Mula Trikona of the Venus, that is Libra. So the yoga the Venus Venus will have a tendency, the natives will have a tendency to accumulate money. So as a result, generates a lot of cash. The native will end up with the undisclosed cash, which is in legal term called as black money. So, with this, I conclude. I would like to thank organizers for giving me the opportunity to present my paper.
I am thankful to all those who have attended and you know, spent their valuable time. My sincere thanks to those who have supported me. I have you know, culled out these from classicals, that is a first copy of the Ravana Samhita. So with that, you know, I have just, you know, covered one nakshatra, you know, that too hardly a part of the nakshatra. So that shows the depth the nakshatra's prediction, the Putra nakshatra has. So thank you, everyone. Thanks for your valuable time. Thank you very much, sir. Really grateful to you that you are. I'll just see if there are any questions while PC sir joins. No, I don't think there is any question. Couldn't have been because the lecture was dubbing. PC sir? Pradeep sir? Okay, while he's process of joining, we have Chintak sir with us. We will request him for a few words on today's lectures. I'm sure with the type of good lectures that we've had on Guru Sharmaji, meri awaaz aa rahi hai? Bilkul sir, bilkul aa rahi. देखिये आज के तो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत अच्छे लेक्चर हुए हैं. विश्वनाथ जी ने तो जो जिस तरह का प्रारंभ किया था और मुझे लगा था कि वो बहुत भावुक प्रारंभ है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने नक्षत्रों के साथ हमारे जो सीनियर्स को जोड़ा. और जो पहला लेक्चर था श्रीमती अनिता का नक्षत्रों के बारे में, उन्होंने थोड़ी भूमिका बनाई और नक्षत्रों की परिभाषा उसके बाद शर्मा जी ने भी जो दी वो नक्षत्र की एक परिभाषा ये है. मेरे ख्याल से वो अधूरी परिभाषा थी उन दोनों की. ना सरति ना क्षरति किसी नक्षत्र है. सरना माने होता है चलना, मूवमेंट. क्षरति माने गिरना. जो तारा चलता भी नहीं और गिरता भी नहीं, यानी बिल्कुल स्थिर है, वो नक्षत्र है. कॉन्स्टिलेशन कॉन्स्टेंट से आया है, कॉन्स्टेंट से यानी जो स्थिर है वो नक्षत्र है. तो पहला लेक्चर भी बहुत अच्छा था अनिता जी का. उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत साधुवाद उनको. शर्मा जी ने तो बहुत ही तफसील से जाकर जो शुक्र के नक्षत्र हैं उनके बारे में बहुत अच्छी एक रिसर्च पेपर की तरीके से उन्होंने डील किया इन शुक्र के नक्षत्रों को. शर्मा जी हैं, चले गए. कौन से शर्मा जी? सुनील शर्मा या चंद्रशेखर शर्मा? सुनील शर्मा जी. सुनील नागाल से सुनील होना चाहिए. सुनील सुनील थे सर अभी. कोई बात नहीं. खैर जी, जी. वो उनका बहुत अच्छा लेक्चर था. और जो उन्होंने एक अमेरिकन गायिका की कुंडली भी दिखाई, प्रैक्टिकली उसे बहुत अच्छी तरह समझाया भी. देखिए शुक्र के जो नक्षत्र हैं वो निश्चित रूप से भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा शाढ़ा, ये बड़े इम्पॉर्टेंट नक्षत्र हैं. भरणी का देवता यम है, पूर्वा फाल्गुनी का भग है और पूर्वाषाढ़ा का आपह यानी जल है. तो यम के बारे में बहुत बात हो सकती है. जो भग है, और ये अभी आप विश्वनाथ जी ने राजसिक नक्षत्रों में तीनों को लिया था, ये भी एक बात इंपॉर्टेंट बात है. ये तीनों राजसिक है. ऐसे लोग वर्ल्डी एंगल से बहुत सफल होते हैं. भग शब्द से ही भगवान बनता है. कहते हैं जो छह प्रकार के ऐश्वर्यों को दे वो भगवान है. तो हालांकि उनसे जो सवाल किया गया था, मैं चाहता था कि उसी समय मैं कुछ उस पर कमेंट दूं. जो
आषाढ़ शब्द है, आषाढ़ा, वो आषाढ़ मास से संबंधित है और युग्म नक्षत्र हैं, पूर्वा और उत्तरा दोनों ये युग्म नक्षत्र होते हैं। इसके बारे में आगे कभी मौका मिलेगा मेरे ख्याल से 2 तारीख को तो मैं और क्लियर कर पाऊंगा। आप लोग बहुत थके होंगे, बहुत से लोग तो चले भी गए हैं। विश्वनाथ आपको विशेष रूप से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैंने आपकी 2-3 बार की स्लाइडों की आपसे बिना पूछे फोटो खींच ली है। नमस्ते। नमस्कार। क्योंकि मैं उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। हाँ, वो जो उनका शुक्र के नक्षत्रों पर जो बात थी उसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ, शुक्र भरणी में हो और पुरुष की कुंडली हो तो अच्छा नहीं होता, और स्त्री कुंडली हो मंगल भरणी में हो तो अच्छा नहीं होता। अब आप इसको आप लोग चेक करिएगा। और मेरे ख्याल से विश्वनाथ के पास जो ये बात है नक्षत्रों के चरण के हिसाब से रावण संहिता का जो जिक्र किया वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कभी मौका मिले विश्वनाथ तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और ये तो बड़ी सीखने लायक बात है, जो प्रिसाइज हॉरोस्कोप में प्रिसाइज प्रेडिक्शन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, एक शॉर्टकट मिल जाता है। और चंद्रशेखर शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने भी उलु दशा पर और विंशोत्तरी पर बहुत अच्छी अपनी बात रखी। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने बहुत समय दिया इसके लिए भी आपको बहुत धन्यवाद। पुनः फिर चतुर्वेदी जी को धन्यवाद कि वो बहुत श्रम करके बहुत समय देकर इसका आयोजन कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर समिंग अप। ये एक बहुत बड़ा शय होती है सर कि सम अप करना ही बहुत बड़ा जरूरी होता है, और तीनों ही चारों ही वक्ता आज अपने आप में तैयारी से आए थे और जी बहुत अच्छा जी सर। आज के कार्यक्रम को यहाँ अगले रविवार संडे को 26 तारीख को उसमें मुक्त चैप्टर चेयरमैन ही होंगे, वहाँ पर अलग अलग चैप्टर्स के लोग होंगे, अलग अलग अपने विचार लेके आएंगे और इस कार्यक्रम की श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी। और उम्मीद करूंगा सर आपका सानिध्य हमारे साथ ऐसा बना रहे, 26 को भी आप समय निकालिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए भी सर एक उत्साहवर्धन होता है कि मुझे बहुत मिलता है। जी सर, देखिए वो जो भी सवाल होते हैं दो तरह के सवाल होते हैं, एक सवाल होता है जिज्ञासावश, एक सवाल होता है अपना ज्ञान प्रदर्शन के, ठीक है, या एक सवाल होता है किसी को या भी किसने बोला था कि वो कैसे होता यह है कि जैसे उनको शर्मा जी को किसी ने सवाल कर दिया था वो थोड़ा एम्बरेस्ड फील कर रहे थे। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर आदमी हर क्षेत्र में मास्टर हो, ठीक है ना जी। तो अब वो एक्चुअली वैदिक उसका सवाल था, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरह उसको, इस तरह के सवालों को थोड़ा सा बचना चाहिए जो बहुत ज्यादा वैदिक हो, जैसे पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा ये युग्म नक्षत्र हैं, एक नक्षत्र के बारे में बहुत बात हो सकती है। तो मेरे ख्याल से जो लोग सवाल भी पूछते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं या जो लोग जिज्ञासु होते हैं, उनको जिज्ञासा वाला सवाल पूछना चाहिए, किसी को टेस्ट करने के लिए नहीं पूछना चाहिए। अंजनू साहब के वजह से साउंड नहीं है उनके, अभी वीडियो पे आ रहा है। अंजनू साहब को मैंने पहले भी कहा था, उनका साउंड नहीं आ रहा, साउंड नहीं दिख रहा है। बोला सर कैन यू कॉन्टैक्ट, कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे, अभी अंजनू साहब से साउंड ठीक है। साउंड अभी तो बहुत देना जी, ठीक है सर। 26 तारीख को फिर मुलाकात होती है आप लोगों से, और इस श्रृंखला में 3 तारीख हमारे लिए ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि उस दिन छात्रों का सम्मेलन होगा और दोनों ही केदार साहब कपूर साहब का हमेशा इच्छा रही थी स्टूडेंट्स को ज्यादा बल मिलना।